सुनाते थे कि किस प्रकार से जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी को बोलते हैं वर मांगो, तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मैं कोई बनिया थोड़ी ना हूँ, तो मैं कोई वर मांगू। अभी गुरुदेव की युद्ध आई थी जिसमें गुरुदेव बता रहे थे कि लोग मंदिर में जाके बोलते हैं कि हम देखो ठाकुर जी 10 रुपए का बूंदी 10 रुपए का पेड़ा भोग लगाएंगे, मेरी नौकरी लगा दो, मेरा फैक्ट्री बनवा दो। तो गुरुजी बोले भगवान मूर्ख है क्या कि तुम्हारे 10 रुपए लेके तुमसे करोड़ों रुपए का काम करवाना चाहते हो, भगवान को मूर्ख बनाने चले हो क्या। तो वहां पे गुरुदेव उदाहरण देते थे कि भक्ति कहाँ से शुरू होती है, भक्ति शुरू होती है अन्य अभिलाषिता शून्यम। जहां पे प्रहलाद महाराज जी ने ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि जब भगवान बोल रहे हैं कि वर मांग लो तो वो कुछ वर मांगना ही नहीं चाहते हैं, पुनः पुनः बोलने पर वर मांग लो तब भी क्या वर मांगा, परा दुखा दुखी, दूसरों के दुख को देख के दुखी होते हैं, वर भी किस लिए मांगा, हम जैसी जीवात्माओं के लिए वर मांगा कि अगर मेरी भक्ति से इस संसार की ब्रह्मांड की जितनी भी जीवात्माएं हैं इन सब का उद्धार कर दो। तो किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी का इतना उदार चरित्र है, और जो भी प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं को सुनता है उसको जीवन में पालन करने की चेष्टा करता है निश्चित रूप से उसके ऊपर कृपा होती है, और तब जाके फिर ये जो भक्ति का बड़ा सुंदर महल है जो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने आके दिया है इसको खड़ा कर सकते हैं। तो जो नींव है वो है प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं। उनकी अनेकों शिक्षाओं में से एक शिक्षा के ऊपर ही आलोचना करेंगे क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। यन मैथो नादि ग्रह मेदी सुखम ही तुचम, कंडू यनिन करोर एव दुखा दुखम, कंडूति जम मनसी जम विषहेत धीरा। क्या है, यन मैथो नादि ग्रह मेदी सुखम ही तुचम, कंडू यनम करोर एव दुखा दुखम। नेक्स्ट लाइन क्या है, कंडूति जम मनसी जम विषहेत धीरा, उससे पहले वाली लाइन जिसमें प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं यन मैथुन आदि ग्रह मेदी सुखम ही तुचम करोर एव दुखा दुखम, जिसमें प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं इस जगत में लोग सबसे ज्यादा आनंद किस चीज को समझते हैं, इस जगत में जो सबसे बड़ा आनंद है, अभी आप देख ही रहे हो पीछे ढोल बज रहे हैं, किस चीज के ढोल बज रहे हैं, ये मैथुन के ढोल, इस जगत में सबसे बड़ा आनंद है मैथुन, उसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पैसा नहीं होगा तब भी लोन लेके शादी करेंगे, किस चीज के लिए, मैथुन रूपी सुख के लिए। तो इस जगत में जिसको सबसे बड़ा सुख बताया गया है, जिस चीज जिस सुख के लिए एक जीव बार बार पुनः पुनः इस संसार में आता है, आशा पात शत शत फिरे अभिरत, बार बार हम इस जगत में आते हैं लाखों आशाओं को लेके, सारी आशाओं का एक ही बीज है, क्या बीज है, मैथुन। मैथुन के बाद क्या, संसार, पत्नी बच्चे, बच्चों का भरण पोषण, दादा पोती नाना नानी, सबका जो मूल है वो है मैथुन। इस जगत के सबसे बड़े सुख को प्रहलाद महाराज जी ने क्या बोला है, यन मैथुन आदि ग्रह मेदी सुखम ही तुच्छम, ये सबसे तुच्छ सुख है जिसको जीव सबसे बड़ा सुख मान के बैठा है। तो ये बताया कंडोर दुख करोर यन मैथुन आदि ग्रह मेदी सुखम ही तुच्छम कंडूतिनम मनसी जम विषहेत धीरा। लेकिन जो धीर व्यक्ति है वो क्या करेगा, धीर व्यक्ति इसको कंट्रोल करेगा, अपने जो इंद्रियों का वेग है उसको रोकेगा। इसको एक उदाहरण से समझिए, एक उदाहरण दिया कि इस संसार के लोग सरसों रूपी सुख के लिए पहाड़ रूपी कष्ट को अपने पीठ पे वहन करते हैं, पहाड़ रूपी कष्ट किस चीज के लिए, एक सरसों रूपी सुख के लिए। वो सरसों रूपी सुख क्या है, वो वही संसार का सुख है जिसको प्रहलाद महाराज जी ने बोला मैथुन रूपी सुख। लेकिन भक्ति में क्या है, भक्ति में है पहाड़ रूपी आनंद मिलता है और छोटा सा विराग्य होता है, वो विराग्य क्या है, सरसों रूपी विराग्य। अब सरसों रूपी दुख जिसको हम सरसों रूपी दुख समझ रहे हैं भक्ति में, वो दुख नहीं है, वो दुख क्या है, जो सरसों रूपी सुख सुख हमें मिल रहा है, पहाड़ रूपी दुख वहन कर रहे हैं सरसों रूपी सुख के लिए, जो उस छोटे से सुख को त्यागना है वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख बन जाता है। अब किसी को बोलो कि भाई ये भौतिक सुख छोड़ दो, उसके ऊपर तो पहाड़ पड़ेगा, भाई ये सुख कैसे छोड़ सकता हूं, इसी के लिए तो सब कुछ है। तो बताया कि भक्ति राज्य में उल्टा है, भक्ति राज्य में पहाड़ रूपी सुख है और सरसों रूपी वैराग्य है या सरसों रूपी दुख है, यद्यपि वो दुख नहीं है, वो दुख इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे छोटे से संसार के सुख को छोड़ना पड़ता है।
तो यहां पे बताया कि जो धीर व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को संयम करता है, नहीं तो कैसी स्थिति होती है, करोर एव दुखा दुखितम। और ये दुख कैसा है, एक किसी को खुजली मचती है, उस खुजली को जितना मर्जी खुजलते रहो कभी शांति नहीं होती है। कितने कितने जन्म बीत चुके हैं, जब चार पैर वाले पशु बने थे तब भी मैथुन किया था, जब बिना पैर वाले थे तब भी किया था, जब पतंग बने तब भी किया, जलचर बने तब भी किया, हर योनि के अंदर ये भरा हुआ है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो धीर व्यक्ति क्या करता है, इससे ऊपर उठता है। नहीं तो ये संसार का जो सुख है, जो सुख नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, शुगर कोटेड पॉइजन। यानी कि जितने भी सुख हैं, शीला भक्तिवनो ठाकुर जी बोलते हैं वो दुख के बीज हैं। सारे के सारे सुख क्या है, दुख के बीज। अभी व्यक्ति ढोल पीट रहा है कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन ये शादी भी क्या है, दुख का बीज है। तो इस संसार के जितने भी सुख हैं, ग्रह मेदी बताया कि संसार के सारे भौतिक सुख कैसे हैं, एक दुख का बीज। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, इसमें नहीं पड़ेगा, इससे ऊपर उठेगा। क्या करेगा, जो आत्म सुख है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, क्योंकि जो इंद्रिय रूपी सुख है वो तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी ने जब इन शिक्षाओं को अपने उसमें जो दिया है, कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचि राम शमंत्रम, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कोई कैसे छोड़ सकता है अपनी उस पत्नी को, जो पत्नी क्या करती है, रुचि राम शमंत्रम, रात को अपने पति के साथ बैठ के प्रिय प्रिय बातें करती है। कैसे वो अपने बच्चों को छोड़ सकता है, जो बच्चों की तोतली वाणी सुन के वो पागल हो जाता है, मम्मी मम्मी पापा पापा, जब बच्चा बोलना शुरू करता है पिता कितने खुश होते हैं। तो इस संसार के जो सुख हैं, इतने तुच्छ सुख के लिए जीव कितना पागल हो जाता है, दिन रात क्या कितने कितने जन्म व्यतीत कर देता है। तो वहां पे प्रहलाद महाराज जी ने उन बालकों को उपदेश दिया कि किस प्रकार से हमको जो मनुष्य शरीर मिला है एक बहुत ऊंची वस्तु के लिए मिला है, इस तुच्छ सुख के लिए नहीं मिला है। और जब कोई व्यक्ति इस तुच्छ सुख को त्यागेगा तभी जाके वो आत्मदर्शी बन सकता है, उस मार्ग पे चल सकता है। तो आज प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे श्रोता है, मैं समय नहीं लूंगा, सब लोगों से सुनने का अभिलाषी हूँ, यहीं पे वाणी को विश्राम देता हूँ। नेताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पित रूपेश कृपा सिंधु भेचा पति कलम पावन। जल्दी आओ, ठंडा हो रहा है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं मेरे दीक्षा गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात में पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज की तिथि बहुत ही शुभ है, जितने भी वैष्णव हैं इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस तिथि का पालन कर रहे हैं, श्री नरसिंह चतुर्दशी। जैसे कि सबको पता है कि प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान जो भगवान है वो नरसिंह रूप धारण करके, आज सुबह ही मठ में हमने दशावतार स्त्रोत का पाठ किया था, तो उसमें वही गाया है कि केशव धृत नरसिंह रूप, भगवान कृष्ण ही क्या करते हैं, नरसिंह रूप धारण करते हैं। और क्या करते हैं, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं।
क्यों किया हिरण्यकश्यपु का वध? प्रहलाद की रक्षा के लिए। तो कहते उससे पहले भी तो हिरण्यकश्यपु ने कितना आतंक मचाया हुआ था, लेकिन भगवान किसके लिए आए? प्रहलाद की रक्षा के लिए आए। हिरण्यकश्यपु के इतने आतंक था, इतना उसने अत्याचार किया था, गो ब्राह्मण पृथ्वी भी कांप गई थी। वर्णन आता है कि जब उसको वरदान मिल गया था ब्रह्मा जी से कि वो ना दिन में मर सकता है ना वो रात में मर सकता है, ऐसा उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी की तपस्या करके, और ना जो है किसी महीने के किसी दिन में मरेगा, इस तरह से 12 महीने में नहीं मर सकता, ना जड़ से मरेगा ना चेतन से मरेगा, किस प्रकार का उसने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि उसको लगता था कि मेरी तो मृत्यु अब आ ही नहीं सकती। और उसके बाद उसने क्या किया? आतंक मचाना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब उसने इतने अत्याचार किए तो जो देवता हैं वो भगवान के पास गए, विष्णु के पास गए, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि अभी तक जो इसने अत्याचार किए हैं ठीक है, लेकिन जब इसको मैं तब मारूंगा जब यह किसी भक्त का अपराध करेगा, अभी तक इसने किसी भक्त का अपराध नहीं किया। तो वहां यह बहुत बड़ी बात आती है कि भक्त अपराध कितना भयंकर होता है। जब उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद जो कि भक्त हैं भगवान के, उन पर अत्याचार करना शुरू किया तो क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। और प्रहलाद जो है, प्रहलाद जैसे भक्त, जैसे कि अभी प्रभु जी कथा बता रहे थे कि भक्ति की नींव यहां से स्टार्ट होती है प्रहलाद जी की भक्ति से, किस तरह से प्रहलाद जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। भगवान प्रहलाद जी को क्या कह रहे हैं कि आप मुझसे कुछ वर मांग लो, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं कोई बनिया थोड़ी हूं, जैसे भी प्रभु जी ने बताया सुंदरपाल प्रभु जी ने कि जो आपसे क्रय विक्रय करूंगा बदले में। लेकिन जब बार बार भगवान आग्रह करते कि नहीं वर मांगो, मेरा दर्शन अमोघ है, वर तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं यही वर मांगता हूं कि मेरे मन में कभी वर प्राप्त करने की कोई इच्छा आए ही ना। देखो वर भी प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि मेरे मन में इस प्रकार की कभी कोई कामना ही ना आए कि मैं आपसे कोई वर मांगूं, यही वर मुझे दे दीजिए। फिर अंत में प्रहलाद जी कहते हैं कि चलो अगर आपकी बहुत देने की इच्छा है तो मेरे पिताजी ने आपका इतना अपराध किया, आपको इतनी जो अपशब्द बोलते थे, इसीलिए उनको जो है आप उनके लिए मन में इस तरह से भावना रख के उनको नरक की गति मत देना। तो भगवान हंसने लग जाते हैं, कहते हैं प्रहलाद तुम्हारा जैसा भक्त जब किसी कुल में पैदा होता है तो उसके तो 21 कुलों का उद्धार हो जाता है, तो इसीलिए जो है वहां पे भगवान ने आश्वासन दिया ये प्रहलाद जी महाराज को। और प्रहलाद जी कैसे हैं, जब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंभे में से तो भगवान ने जो है हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। वध करने के उपरांत भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, भगवान क्रोध करे जा रहे हैं, भुकलाल दौड़ है भगवान की, इतना भयानक रूप है भगवान का कि ऐसे लगता है कि पाताल से लेके आसमान तक कहीं छोर नहीं मिल रहा भगवान के अंत का, और इतना क्रोध कर रहे हैं ऐसे लग रहा है आज पूरा ब्रह्मांड जो है नष्ट कर देंगे, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। उस समय लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी भगवान की अर्धांगिनी है, तो वो भी डर जाती हैं, सब देवता तो डर ही रहे थे, वो तो भगवान के पास जाने से सोच रहे हैं कैसे भगवान को शांत करें, स्तुति कर रहे हैं लेकिन भगवान का जो इतना चित्कार कर रहे हैं, भगवान इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा प्रभु को। तो फिर लक्ष्मी जी को कहा, तो लक्ष्मी जी भी डर रही है, मैं नहीं जाऊंगी पास में, मैंने आज तक ऐसा भगवान का रूप देखा ही नहीं, भगवान को तो करुणा वरुणालय बोला जाता है, आज प्रभु को क्या हो गया इतना क्रोध कर रहे हैं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो नारद जी जो है प्रहलाद जी के पास जाते हैं, बोलते पुत्र तेरी वजह से भगवान जो है प्रकट हुए हैं, तुम ही जाके प्रभु को शांत करो। अब देखो छोटे से बच्चे हैं प्रहलाद जी, 5 वर्ष के बालक, और भगवान का तो स्वरूप बताया कितना अभी है बड़ा, तो वो छोटे से प्रहलाद जी भगवान के पास जाते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं प्रहलाद जी को गोद में उठा लेते हैं, गोद में उठाते हैं, और प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, प्रभु आपका इतना भयानक रूप है लेकिन मुझे उसको देख के बिल्कुल डर नहीं लग रहा, इतना भयानक रूप है आपका कि आपकी जो बड़ी बड़ी दाढ़े हैं उसमें ऐसे लगता है कि सारे ब्रह्मांड चूर्ण विचूर्ण हो जाएंगे, ये इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं, लेकिन इतना भयानक रूप देख के भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तो सब बड़े हैरान हो जाते कि प्रहलाद डरता नहीं, और भगवान भी कहते अच्छा तू नहीं डरता मेरे इस रूप से, कहते नहीं प्रभु लेकिन मैं एक चीज से डरता हूं, तो प्रभु कहते वो क्या है, कहते मैं डरता हूं इस संसार चक्कर में पिसने से, ये संसार चक्कर कैसा है, यहां सब लोग चबे हुए को चबा रहे हैं, बताया ना प्रहलाद जी ने पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, यहां पुनः पुनः चर्वित को चर्वन कर रहे हैं, सूखे गन्ने से सबको रस आ रहा है, भोगे हुए विषयों को बार बार भोगने पर भी इनकी इंद्रियां जो है तृप्त नहीं होती,
इसीलिए दोबारा दोबारा भोगे हुए विषयों को भोगने में इनकी स्पृहा जागती रहती है। तो मैं इस प्रकार के संसार चक्कर में पिसने से प्रभु डरता हूं, लेकिन आपका इतना विकराल रूप देख के मुझे डर नहीं लग रहा, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस संसार चक्कर में मत पिसने देना, कभी भी मैं संसारी ना हो जाऊं। प्रहलाद जी की इतनी सुंदर शिक्षा है, अगर कोई इसको ध्यान से पढ़े, प्रहलाद जी का दैत्य बालकों को उपदेश, इस टाइटल से भागवतम जी के सेवंथ जो स्कंद है, सेवंथ कैंटो, उसमें प्रहलाद जी का दैत्य बालकों को उपदेश करके एक चैप्टर है, उसमें इतनी सुंदर प्रहलाद जी ने शिक्षा दी है दैत्य बालकों को। वो शिक्षा दैत्य बालकों के साथ साथ हम सभी के लिए है। उसमें प्रहलाद जी ने एक मनुष्य की पूरी आयु का वर्णन कर दिया कि कैसे पूरी आयु ऐसी बीत जाती है व्यक्ति की। छोटे होता है 3 साल तक तो गर्दनी नहीं सीधी होती, उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ाई लिखाई में चला गया, आधी जीवन तो पहले सोने में ही निकल गया, आधा जीवन खाने आधा उसका आधा खाने पीने में निकल गया, उसके बाद थोड़ा सा बाकी कुछ बचा जीवन है, उसमें इतनी सारी कामनाएं हैं जो कभी पूर्ण ही नहीं हो सकती। तो इस तरह से प्रहलाद जी ने पूरी आयु को, जीवन की अगर 100 वर्ष भी किसी की आयु ली जाए, उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया कि कैसे ये पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और कभी भी मनुष्य जो है भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हो पाता। बहुत सुंदर कथा है प्रहलाद जी की, जिसको सुन के, जिसको पढ़ के भक्ति प्राप्त होती है, पता चलता है कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमें करना चाहिए। इस प्रकार जब नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं संसार चक्कर में ना पिसूं, इस तरह की, तो प्रहलाद भगवान को बहुत ज्यादा जो है करुणा उमड़ आई भगवान की, और भगवान ने क्या किया, प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया। अब चाटना शुरू कर दिया मतलब, क्योंकि भगवान का जो रूप है वो किसका है, नरसिंह रूप है भगवान का, मतलब शेर वाला रूप है, तो शेर की जो जीभ होती है ना, तो जीभ से प्यार करने लगे भगवान प्रहलाद जी को। तो इस तरह से भगवान ने अपनी करुणा जो है वहां पे दिखाई, जो करुणा पर वो भगवान रोने लग गए प्रहलाद जी की बात सुन के। ऐसे भक्त हैं प्रहलाद जी। अब बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो, जय हो। अभी वांछा कल त्रुवेश के पास हिंदु पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्तिवेदान शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं परम पूज्य पाद श्री भक्तिवेदान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ, और पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरण कमलों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज सुबह से हम लोग भगवान नरसिंह देव की महिमा और प्रहलाद महाराज जी की महिमा के बारे में श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में नारद जी नरसिंह भगवान की महिमा बता रहे हैं कि यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय सगनाधिराज विज्ञान विहंतु मलमस्त जगत त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। सो ब्रह्मा जी इसमें क्या बता रहे हैं कि एक बार गणेश जी जो है नरसिंह भगवान की स्तुति करने के लिए गए, जब उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति की तो नरसिंह भगवान गणेश जी से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सिर पर अपने चरण कमलों को स्थापित कर दिया। उनके सिर पर चरण कमलों को स्थापित करने से जो गुण नरसिंह भगवान का है, नरसिंह भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्व विघ्न विनाशन, कि हमारे सभी प्रकार के विघ्नों को वो नष्ट कर देते हैं, वही गुण जो है गणेश जी को प्राप्त हो गया। इसी वजह से गणेश जी जो हैं सभी विघ्नों को हरण करने वाले माने जाते हैं। अर्थात यह शक्ति जो गणेश जी को प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई, भगवान नरसिंह देव से। तो मूल में नरसिंह देव ही कौन है, विघ्नहर्ता, अर्थात जो सभी प्रकार की भक्ति में एक साधक जब भजन करने लगता है तो बहुत सारी उसके जीवन में बाधाएं आती हैं। तो अगर वो अनन्य भाव से भगवान नरसिंह देव के शरणागत रहता है, भगवान कृष्ण के शरणागत रहता है, तो भगवान उनके सभी अनर्थों को दूर कर देते हैं, सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं।
और प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं जो हम लोग भागवत में सुनते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, जैसे कि उन्होंने अभी प्रभु जी बता रहे थे, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह मानुष्यम दुर्लभम मानुष्यम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम, कि क्या यह मनुष्य जन्म क्या है, यह मनुष्य जन्म यद्यपि यह बहुत ही छोटे समय के लिए प्राप्त हुआ है, यह नित्य नहीं है, परंतु यह अर्थ को प्रदान करने वाला है। वह अर्थ क्या है? स्वार्थ गति विष्णु, कि भगवान विष्णु ही केवल मात्र मनुष्यों के लिए अर्थ हैं, वही उनकी फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो केवल मात्र भगवान विष्णु हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव को क्या चाहिए? कुमार आचरित प्राज्ञो, कि बचपन से ही जो है भगवान के इस भागवत धर्म का अवलंबन करना चाहिए, इसको भक्ति को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसकी आसक्तियां जो हैं घर परिवार इत्यादि में लग जाती हैं, और उसके बाद गृह अंधकूपम, कि यह जो गृहस्थ जीवन है, यह जो संसार है, वो क्या है? एक अंधे कुएं की तरह है जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए बचपन से ही जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक वो अपनी शिक्षाओं में बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणा क्रियते भक्ति अद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। वो अपने पिता प्रहलाद महाराज जी जब उनसे पूछते हैं हिरण्यकश्यप कि सबसे उत्तम शिक्षा तुमने गुरु ग्रह में क्या प्राप्त की, तो वो सबसे उत्तम शिक्षा क्या कहते हैं कि भगवान की जो नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, कि इस नौ प्रकार से अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, कैसे करता है? स्वयं को पहले भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है, गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है। इसके लिए भी वो एक बढ़िया श्लोक बोलते हैं, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन च संज्ञन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च, कि कैसे भगवान की भक्ति, इस नवदा भक्ति का पालन किस प्रकार से करना पड़ेगा? सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। उनकी सेवा कैसे करनी पड़ेगी? संज्ञन साधु भक्तानाम, कि वैष्णव के अनुगत्य में, उनके संग में ही गुरुदेव की सेवा करते हुए जो है इस नवदा भक्ति का पालन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पहले अपने आप को समर्पित करता है और फिर इन नवदा भक्ति के अंगों का पालन करता है, वही सबसे उत्तम विद्या है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने और बहुत सारी उत्तम उत्तम शिक्षाएं दी हैं जो हम लोग आगे और वैष्णव से श्रवण करेंगे। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुवेश कृपा सिंधु भेव च परिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्रिशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदो में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौरहरि नरसिंह देव भगवान सभी जयुक्त हो। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज नरसिंह चतुर्दशी है, गुरु जी की कृपा से उनके विषय में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यथा योग्य चेष्टा करूँगा, कुछ गलती होने पर कृपया क्षमा करें। जब हम सब जानते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज जी का जन्म हुआ, किस प्रकार उन्होंने 60,000 साल मातृगर्भ में श्री नारद जी के मुख कमल से समस्त शिक्षाओं को ग्रहण किया था, फिर जन्म के उपरांत जब हिरण्यकश्यपु राज्य को ग्रहण करते हैं और बड़ा ही भयंकर राक्षस होकर के समस्त पृथ्वी पर अत्याचारों को वो करने लगते हैं,
और समस्त राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि कोई विष्णु विष्णु कोई भगवान नहीं, भगवान कौन है, हिरण्यकशिपु ही भगवान है, किसी की पूजा मत करो, पूजा करोगे तो सिर्फ किसकी, केवल राजा की पूजा, राजा है हम। तो हिरण्यकशिपु जैसे गुरुजी ने बताया, हिरण्यकशिपु, हिरण्य माने सोना, कशिपु माने बिस्तर, जिसका बिस्तरा ही सोना, माने जो दिन रात जो भोग में ही लिप्त है, ऐसे व्यक्ति को हिरण्यकशिपु कहा जाता है। ये कथाओं के माध्यम से ये आज की स्थिति को भी निरूपण करता है, ये हमारे शास्त्रों की महानता है। ऐसा नहीं कि कभी हिरण्यकशिपु हुआ था और कभी प्रहलाद हुए थे, आज भी ये सब देखने में आता है, आज भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं और आज भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के भक्ति करने वाले भी लोग हैं। तो जब प्रहलाद महाराज थोड़े बड़े हुए, उन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, उनके गुरुकुल जो शुक्राचार्य जी द्वारा चलित जो गुरुकुल था, वहां पर उनके पुत्र शंड और अमर दोनों गुरुकुल को चलाते थे। प्रहलाद महाराज वहां शिक्षा लेने के लिए चले गए। कुछ दिन बाद जब कुछ समय बीता, तब हिरण्यकशिपु भ्रमण करते करते उस गुरुकुल के सामने से गुजरे, गुरुकुल के सामने से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि अरे भैया प्रहलाद बड़े दिनों से यहाँ शिक्षा ले रहा है, चलो पुत्र से मिलते हुए चलते हैं, क्या कर रहा है, क्या सीखा। देखा तो प्रहलाद महाराज वहां भारी बैठे मिल गए उनको, उनको देख करके पिता को अपने पितर अपने पुत्र के प्रति बड़ा वात्सल्य आ रहा है, बड़ा प्रेम आ रहा है और बड़े सिर पे हाथ पुचकारते हुए बोलते हैं कि अरे प्रहलाद एक बात बताओ, तुम तो काफी दिनों से गुरुकुल में हो, एक बढ़िया पाठ हमें सुनाओ, जो तुम सबसे अच्छी चीज सीखे हो गुरु ग्रह में रह करके वो हमें सुनाओ। तो जो प्रहलाद महाराज जी जो है वहां पर एक श्लोक द्वारा उनको बोलते हैं कि देखो मैंने क्या सीखा पिताजी, वो कहते हैं तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्दिग्न धियाम असद गृहात हित्वा आत्मपातम गृहमंद कूपम बनम गतो यत हरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज कहते हैं पिताजी जो सबसे बढ़िया शिक्षा मैंने सीखी है वो क्या सीखी है, इस संसार के अंदर रहते रहते और इस देह को सब कुछ मान करके और इस देह से जुड़े बस घर पुत्र परिवार आटा दाल चावल में जो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, वो अंधे कुएं में गिरते चले जा रहे हैं। अगर वो अपना कल्याण चाहते हैं तो क्या करो, बनम गतो यद हरिमाश्रयेत, बन में जाओ और भगवान का भजन कीजिए। हिरण्यकशिपु ने बोला क्या भगवान का भजन करो, मैं सारी दुनिया को बता रहा हूं कि मैं ही भगवान हूं और ये मेरे घर में पैदा होकर के क्या कहता है कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो। हिरण्यकशिपु तो आग बबूला हो गया, बोला दुष्ट कहां से सीखा ये। आश्चर्य की बात है कि 5 साल का बालक कितनी बड़ी रहस्य की बात को बता रहा है। तो यहां प्रश्न उठता है कि जो हिरण्यकशिपु है वो सोच रहा था कि जब मैं पुत्र से पूछूंगा कि क्या सीखे तो अपनी तोतली टूटी फूटी भाषा में वो कुछ बताने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रहलाद महाराज ने तो समस्त शास्त्रों का निरूपण ही यहां पर कर दिया। तो प्रश्न करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, क्या कारण है। तो बोला यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना समस्त गुणे तत्र समासते सुरा, जहां पर भगवान की भक्ति होती है समस्त गुण वहां पर अपने आप ही उपस्थित हो जाते हैं। इसे प्रहलाद महाराज कौन है, भगवान के बड़े भक्त, इसलिए 5 वर्ष की आयु में वो इस प्रकार का जो उपदेश अपने पिता को दे रहे हैं। और पिताजी सुनकर के आग बबूला हो गए और उनके दोनों पुत्र गुरुओं को बुलाया, शंड और अमर को, बोला मूर्खो मैंने तुम्हें मेरे पुत्र को क्या सिखाने के लिए भेजा था, राज विद्या है, कैसे राज्य को चलाना है, कैसे राज्य का हरण करना है, कैसे सब खिला पिला करके जनता से कैसे वोट ले लेने, ये मैंने तुम्हें सिखाया था, बोला था सिखाने के लिए कैसे क्या करना है, धर्म अर्थ काम और बस इतना ही, धर्म अर्थ काम, और तुमने से क्या सिखा दिया कि भगवान का भजन करो, उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाते हो मेरे बच्चे को। आज भी ऐसा होता है, जब कोई थोड़ा बहुत भजन करता है तो आज भी देखने में आता है कि ऐसा विरोध किया जाता है, जो विरोध करते हैं सब हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु इस प्रकार जो है उन गुरुओं को डांट रहे, गुरु जी कहते हैं भैया हमने तो ये सब सिखाया ही नहीं, हम ना तो हम ये सब जानते, कहां से सिखाएंगे, जानेंगे जब ही तो सिखाएंगे, हम तो खुद ही ये सब जानते नहीं है, पता नहीं कहां से सीखा है। बोला चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखना, ऐसा बोल करके हिरण्यकशिपु वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद प्रहलाद महाराज कुछ शिक्षा लेकर के वापस पुनः महल में आते हैं। महल में आते हैं आकर के तो उनकी जो माता है कयाधु, बड़े ही प्रेम से प्रहलाद महाराज जी को बिल्कुल सजा देती है, बिल्कुल सुंदर काजल लगा करके, जैसे छोटा बालक है ना, बड़ा सुंदर सजा करके और पिता के सामने भेज दी। जैसे ही पिता देखते हैं प्रहलाद इतना सुंदर बालक, उसको अपने गोद में बिठाते हैं, उसके मस्तक को सूंघते हुए प्रेम वात्सल्य दिखाते हुए पिता का बोलते, अरे पुत्र प्रहलाद तुम गुरुकुल से आए हो, जरा एक बात बताओ तो,
गुरुकुल में क्या सीखा, इतने दिनों में गुरुकुल में क्या सीखा? तो वहां प्रहलाद महाराज बोलते, पिताजी सर्वश्रेष्ठ उपदेश बता दूं? बोले हाँ बताओ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति शैव नवलक्षणा क्रियते भगवत। जब इसको सुना हिरण्यकश्यपु ने तो जो गोद में बिठा रखा था उठा करके नीचे फेंक दिया। बोले दुष्ट कहां से आ गया तू हमारे घर में कुल घाती? हम असुर हैं, मैं खुद भगवान हूं, और कहां तुम ये बात बोलते हो कि भगवान की भक्ति करो, श्रवण कीर्तन विष्णु का श्रवण करो, स्मरण करो, वंदन करो। प्रहलाद जो हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, दोनों गुरु पुत्र को बुलवाया, बोला आज ये दोनों गुरु पुत्र का गला मैं धड़ से अलग कर दूंगा। दोनों गुरु पुत्र कांपते 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 हिरण्यकश्यपु के सामने आते हैं। वो क्रोधित होकर के पूछता है, बोला शंड अमर, ये तुम मेरे जो बालक है इसकी बुद्धि को क्यों भ्रमित कर रहे हो? क्या भर दिया इसके दिमाग में विष्णु की भक्ति आदि? इसको सुन करके वो जो दोनों गुरु पुत्र हैं वो कहते हैं, नामत प्रणीतम नापर प्रणीतम सुतेश वदति एश स्तवेंद्र शत्रु। बोला हे इंद्र के शत्रु हिरण्यकश्यपु, जो ये तुम्हारा पुत्र बोल रहा है ये हमने नहीं सिखाया और ना ही किसी ने गुरुकुल में आकर के सिखाया। ये जो तुम्हारा पुत्र है ये कोई साधारण नहीं लगता, लगता ये पहले से ही जानता है। तब वहां पर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद तू ये सब चीज कहां से सीखा, कहां से सीखा ये सब? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सब कोई चीज है, ये सब ऐसे किसी को समझ में नहीं आती। ये कैसे आती है? नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेदया न बहुनाम श्रुतेन यमे वेश वृणुते न लभ्य तस्यैष आत्मविवृणते तनुम स्वाम। जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाती है उसके हृदय में समस्त शास्त्रों का रहस्य अपने आप प्रकट हो जाता है। हिरण्यकश्यपु बोले कौन गुरु? तब वो कहते हैं श्री नारद जी के श्रीमुख से मैंने सारी विद्या को ग्रहण करी है और जिनकी मति कृष्ण में लगी हुई है। बोला आप लोग कौन हो, आप लोग कौन हो? बोले गृह मंद कूपम। बोले मति न कृष्ण पर तो सतो मितो विपत्ते गृह वृतानाम अदांत गोबीर मिशदाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। बोला क्या कर रहे हो, चबाए हुए को चबा रहे हो? इस गृहस्थ को, ये जो घर के अंदर रह करके ग्रह को ही सब कुछ मान करके जो लोग हो, ग्रह अंधकूप में पड़े हुए हो, उसने निकलना चाहते हो, तो क्या करो, भगवान का भजन करो, भगवान में अपनी मति को लगाओ। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया भैरर्थ मानिना। ये सब बात जैसे अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख करके कहीं मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, इसी प्रकार अगर कोई सोचे कि इस गृह व्रत को ही पालन करने से हमारा उद्धार हो जाएगा तो वो मूर्ख है, नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज जी ने जब ये सब बात बोली हिरण्यकश्यपु तो बड़ा क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के दोनों गुरु पुत्र को डांटते हुए बोला कि इसे पुनः ले जाओ और अच्छी शिक्षा दो। प्रहलाद महाराज जी दोबारा जब गए गुरुकुल में तो खुद तो क्या असुर विद्या सीखेंगे, बल्कि जो असुर बालक हैं जो उनको फिर प्रहलाद महाराज जी ने ये भागवत की शिक्षा देनी चालू कर दी कि कौमार्य आचरण बोलते। बोला बच्चों अपने सखाओं को कहते हैं, देखो अभी जो रिसेस हो गई है, जो बीच में जो इंटरवल हो गया है, इसमें आज हम एक नया खेल खेलेंगे। बोला कौन सा खेल? बोला छुपम छुपाई खेलेंगे। बोला क्या छुपम छुपाई? बोला हम कृष्ण को धोखा देकर छुप गए हैं और कृष्ण हमें ढूंढ रहे हैं लेकिन हम उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तब इस प्रकार के खेल यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी खेलते हैं और बोलते हैं कि देखो हमको जो ये जीवन मिला है ये बहुत अनमोल जीवन है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बाल्यकाल से ही भजन करना चाहिए। तो वहां पर बोला ना कुमार आचरित प्राज्ञ, ये जो श्लोक बताया प्रभु जी ने, इसमें यही बताया कि बचपन से ही भजन करना चाहिए, इस भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। और इस भागवत धर्म के पालन करने से क्या होगा? बोला स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। ये जो इसको अल्प मात्र इस धर्म का पालन करने से महत भयात भयंकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस दुखों से हम छूट सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी ये सब बात को बता रहे हैं तो वहां पर सखा बोलते अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी हम बड़े होंगे, सब संसार आदि के भोग करेंगे, उसके बाद जाकर के भजन करना चाहिए अंत में। तब प्रहलाद महाराज जी कहते हैं क्या किसी ने किसी को पता है ये सांस गई दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, किसी को पता है? बोले नहीं। निश्वासे नहीं विश्वासो कदारुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्या
हरेर नामेव केवलम। निश्वासे नहीं विश्वास, सांस गई दोबारा आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता। इसलिए क्या करो, कीर्त नियम तो बाल्यात, इसलिए नियमित रूप से बाल्यावस्था से ही क्या करो, भगवान का नाम करो। क्यों, एतद निर्विद्यमान नाम इच्छता मकुतो अभयम ऋषय निर्णित हरि नामानुकीर्तनात्। हरि नाम करना ही धर्म है। जब प्रहलाद महाराज ये सारी बात बता रहे हैं, वहां पर सब सुन रहे हैं, और हिरण्यकशिपु जो है, जब उसे पता चला कि इसने तो पूरे गुरुकुल के बच्चों की बुद्धि पलट दी, जाकर कंप्लेन कर दी गुरुओं ने, अरे हिरण्यकशिपु तुम्हारा जो ये पुत्र है खुद तो बिगड़ा ही बिगड़ा और बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, जरा कुछ करो। तो हिरण्यकशिपु ने वापस बुलाया, बोला दुष्ट क्या कर रहा है तू, क्या चाहता क्या है। तो वहां पे प्रहलाद महाराज ने तो बहुत सारी शिक्षा बताई है, कुछ बंद यही बंद यही में बोला, अभी तो बहुत सारे लोग बोलेंगे। फिर उन्होंने एक चीज और भी बोली है कि बिना महियसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न विनीत यावत, बिना ऐसे महत पुरुषों की कृपा के उनके चरण धूलि शीश पे लिए बिना ये सब चीज नहीं हो सकती। और अंत में कैसे हिरण्यकशिपु बोलता है भगवान कहाँ है, फिर हिरण्यकशिपु बोलते हैं हर जगह है, वो आगे के वक्ता बोलेंगे। ये मैं बोल के विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद महाराज की जय। अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। मैं शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शील महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोग प्रातःकाल से ही भगवान श्री नरसिंह देव और भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुन रहे हैं। श्री प्रहलाद महाराज जी का चरित्र बहुत अद्भुत है, विशेष रूप से साधकों के लिए। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने भी 108 बार पाठ किया, और हमारे गुरुदेव भी पुनः पुनः इसका सर्वत्री पाठ करते थे, विदेश में जाते थे तब भी पाठ करते थे। कारण क्या है कि जब हम लोग भजन करना प्रारंभ करेंगे तो किस प्रकार की बाधाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, अगर उनसे हार करके हमने भजन छोड़ दिया तो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किंतु प्रहलाद महाराज की तरह सारी बाधाओं और विपदाओं के होते हुए भी भगवान के शरणागत होकर के भजन करते रहे तो फिर भगवान हमको वो सारी विपदाओं से रक्षा निश्चित रूप से ही करेंगे। इसी की शिक्षा देने के लिए ही ये प्रहलाद जी का चरित्र है, और साधकों को किस प्रकार से भजन करना चाहिए इसमें बता रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे अनिरुद्ध प्रभु बता रहे थे, कुछ कुछ उन्होंने संक्षेप में सब कुछ बताया, उसमें प्रत्येक स्तर में बड़ी शिक्षाएँ। जैसे कि जब प्रहलाद महाराज जी पहली बार पाठशाला जाते हैं, उसके पश्चात में वहाँ पर राजनीति धर्मनीति कूटनीति इत्यादि की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, किंतु जब पिता ने उनसे पूछा कि तुमने जो अब तक विद्याएं सीखी हैं उनमें सबसे अच्छी विद्या तुम किसको मानते हो, तो उन्होंने क्या बोला, तत्साधुमन्य असुरवर्य देहनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद गृहात हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रय।
देखो यहाँ पर बड़ी विशेष शिक्षा है कि यहाँ पर पाठशाला में वो क्या सीख रहे हैं, पाठशाला में सीख रहे हैं राजनीति कूटनीति इत्यादि, लेकिन हृदय में क्या सीख रहे हैं, संघ किसको कहते हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। देखने में क्या लग रहा है कि वो संड और अमर का संघ कर रहे हैं, असुर बालकों का संघ कर रहे हैं, किंतु वास्तव में संघ किसका कर रहे हैं, वो नारद जी का संघ कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दी थी, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। इस बात का साक्षात प्रमाण श्री प्रहलाद महाराज जी, किस प्रकार से अंतर में कृष्ण के प्रति निष्ठा है, अपने गुरु किसको मानते हैं, नारद जी को मानते हैं, संड और अमर को गुरु नहीं मानते। आगे वर्णन आएगा कि वो कैसे गुरु नहीं मानते, क्योंकि उनकी शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, जब शिक्षा ही ग्रहण नहीं की तो फिर गुरु किस बात के। तो इस प्रकार से अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, बाहर से कैसा लोक व्यवहार है उनका, जो कुछ भी संड और अमर पढ़ाते हैं क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, और जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो सबका सब एजिटिज बता देते हैं। इसलिए संड और अमर को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब हम इनको ले जाएंगे तो हिरण्यकश्यपु अत्यंत प्रसन्न होगा, और अत्यंत प्रसन्न होकर के हमको बहुत सारा धन धान्य इत्यादि संपत्ति दे देगा। किंतु जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, उन्होंने दिया कि तत्साधु, मैं तो यही सर्वोत्तम मानता हूं, असुरवर्य हे असुर श्रेष्ठ। देखो यहां भी विशेष शिक्षा है, यहां पर असुर बोला पिताजी नहीं बोला, एक एक प्रहलाद का जो एक एक शब्द है, एक एक वचन है, उसमें इतनी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। असुर वर्य क्यों बोला, उसके लिए समझना पड़ेगा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो प्रताप पिता प्रहलाद। यहां पर जो हम लोग सुनते हैं कि जिसके प्रिय राम नहीं है उसको किस प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए, कोटि बैरी सम, जैसे कि हमारा करोड़ों गुणा बैरी है, और इसका आचरण किसने करके दिखाया, तो उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया है, इसलिए वो उनको असुर श्रेष्ठ कहते, पिता नहीं कहते, मन से परित्याग कर दिया, लेकिन अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, उनको बाहर से साष्टांग प्रणाम करते हैं लेकिन भीतर में एकमात्र निष्ठा नारद जी के प्रति है। तो जो भजन साधन करने वाले साधक हैं उनको किस प्रकार से प्रहलाद की तरह निष्ठा होनी चाहिए कि बाहर से हम कुछ भी करते हुए दिखाएं लेकिन अंदर में केवल मात्र साधु संघ और शुद्ध भक्तों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार से जब उन्होंने बोला तो हिरण्यकश्यपु हंसने लगा और हंस करके कहता है, अरे उसने प्रहलाद से कुछ नहीं कहा पहली बार, पहली बार में संड और अमर को डांट लगाई, अरे तुम कैसे अध्यापक हो, ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे आश्रम में ब्राह्मण का वेश बना करके इस बालक की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, ये विष्णु भक्ति की शिक्षा देता है। अरे बालक तो कुछ भी नहीं जानते, वो तो कहीं से इधर उधर से जो सुन लेते हैं उसी को ठीक मान करके बोल देते हैं, अगली बार से ध्यान रखना तुम्हारी पाठशाला में कोई भी मेरे बालक की बुद्धि को ना बिगाड़ पाए। अब यहां पर जो हिरण्यकश्यपु का चरित्र है उससे भी बहुत शिक्षाएं हैं। क्या शिक्षा है, कल हम लोगों ने महाराज जी से श्रवण किया था, किस प्रकार से जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तब हिरण्यकश्यपु बड़े बड़े उपदेश प्रदान कर रहा है, उसने आत्म तत्व का उपदेश प्रदान किया। ये आत्म तत्व का उपदेश क्या है, आत्मा किसका दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। सारे शास्त्र यही कहते हैं कि विष्णु का ही अंश है परमात्मा, ये आत्मा, तो दूसरों को तो वो उपदेश प्रदान करता है किंतु खुद कैसा आचरण करता है, विष्णु से ही द्वेष करता है। अर्थात जितना भी शास्त्र ज्ञान है असुरों का, असुरी वृत्ति क्या होती है ये यहां पर प्रकाशित हो रहा है। असुरी वृत्ति का मतलब क्या, जितना भी मेरा ज्ञान है वो सब कुछ मेरे भोग के लिए ही है, और उस ज्ञान में से जब भोग के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी वो वाला ज्ञान दे देंगे। यही जगत का यही है सिस्टम। यहां पर देखो चाहे वो कोई भी हो जगत में, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित ब्राह्मण सब कुछ हैं, वो सब क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए ही, वहां जहां पर जैसे ज्ञान की जरूरत है वो वैसा प्रदान कर देते। कहीं देवी देवताओं के उपासक बहुत हैं तो वहां देवी देवताओं की उपासना को श्रेष्ठ ठहरा देते हैं, कहीं विष्णु के उपासक है वहां उनकी उपासना को, कहीं कर्मकांड है वहां वैसी बात बोल देंगे, कहीं भक्ति है तो वहां वैसी बात बोल देंगे। ये क्या है, ये भी ऐसे हिरण्यकश्यपु वाली वृत्ति है। और वही बात जब प्रहलाद कह रहे हैं तो उसको मानता नहीं, कहता मेरी पूजा करो। यही कितने आश्चर्य की बात है, ये जगत ऐसा ही है, जब हमारे स्वार्थ के लिए जैसे ज्ञान की आवश्यकता है तब हम वैसा ही ज्ञान देंगे।
तो इस प्रकार से जब प्रहलाद को छंड और अमरक दोबारा ले गए पाठशाला में, तो उन्होंने पहले प्यार से, बड़े लाड़ प्यार से पुचकारते हुए पूछा कि बेटा ये बताओ, तुम्हारी ये बुद्धि ऐसे किसने बिगाड़ी? कोई ऐसा लगता है आश्रम में तुमको छुप करके कुछ बताता है? तो प्रहलाद महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मेरी बुद्धि तो किसी ने भी नहीं बिगाड़ी, मेरी बुद्धि तो स्वाभाविक रूप से ही कृष्ण में लगी रहती है। जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार से जो भगवान है मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लेते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार की बात सुनी तो संडमर को क्रोध आया और कहने लगे, अरे कुलांगार, तू ऐसा प्रतीत होता है कि चंदन के वन में ये बबूल का वृक्ष कहाँ से आ गया? तो देखो, संड और अमरक सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी प्रहलाद महाराज को क्या बोल रहे हैं कि चंदन के वन में बबूल का वृक्ष, जिन प्रहलाद महाराज के लिए श्री नारद जी ने गर्भ में ही बोल दिया था जब इंद्र कयादु को ले जा रहे थे कि ये महाभागवत हैं, इसके गर्भ में तुम क्या मार सकते हो, कोई जगत में कोई इसको मार नहीं सकता। तो इंद्र ने परिक्रमा की थी, उनके लिए संड और अमरक कुलांगार कह रहे हैं। ये विद्या का फल है। कौन सी विद्या? जो वैष्णवों के आनुगत्य में जो विद्या ग्रहण नहीं की जाती, उसका फल ये है कि वो भक्तों को क्या मानता है? कुलंगार, और अभक्तों को चापलूसी करता है। उसके पश्चात में फिर जब प्रहलाद महाराज को डांट फटकार लगाई, फिर से पढ़ाना शुरू किया, फिर प्रहलाद महाराज ने फिर सारा जो पूछते थे वो सुना देते थे। तो फिर से संड और अमर बड़े खुश हो गए कि इस बार तो पुरस्कार निश्चित ही मिलेगा। अब जब दोबारा लेकर के गए, तब जाकर के प्रहलाद से फिर से हिरण्यकश्यपु ने बड़ा गोद में बिठा करके लाड़ प्यार किया। देखो, यही आसुरी वृत्ति है। वो लाड़ प्यार क्यों कर रहा है? इस जगत का जो लाड़ प्यार है माता पिता इत्यादि का, वो किस लिए है? कि बच्चे के द्वारा मैं अपना भोग करूं, अर्थात ये मेरी इच्छा के अनुसार चले, मेरी सेवा करे, तो लाड़ प्यार है। अगर उनकी बात नहीं सुनी तो फिर हिरण्यकश्यपु वाली वृत्ति सब जगह प्रकाशित हो जाती। बेटे को साधु नहीं बनाना है, वो नौकरी करता रहे, गधे की तरह दिन रात काम करता रहे, लाख रुपया कमाता रहे, तो माता पिता का बड़ा प्रिय। अगर उसने छोड़ करके साधु बना तो माता पिता बैरी हो जाते। ये जगत में सब जगह ऐसा देखा जाता है, ये भी वही वृत्ति है। तो फिर जब पूछा हिरण्यकश्यपु ने कि तुमने सर्वोत्तम विद्या क्या सीखी, तो उन्होंने बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु क्रियते भगवते अध्या तन मन्य अधितम उत्तमम। कि जो भगवान की जो नवदा भक्ति है, उसी को मैं सर्वोत्तम मानता हूँ। जब विष्णु का नाम सुन लिया तो हिरण्यकश्यपु क्रोध में आग बबूला हो गया। उसके जो होठ हैं क्रोध के मारे कांपने लगे। सारा ब्रह्मांड, यहाँ तीनों लोग, जिसके एक भ्रिकुटी मात्र से अगर वो देवताओं की तरफ से क्रोध से केवल देख ले तो देवता कांपने लगते हैं थर थर। और वो यहाँ पर दूसरा भी चरित्र है कि देखो दूसरी ओर प्रहलाद महाराज कैसे बिल्कुल शांत खड़े हैं। देखो भक्तों का कैसा अद्भुत चरित्र होता है कि प्रहलाद महाराज के अंदर जो वैष्णव सारे के सारे 26 गुण हैं, शांत, क्षम्य, सहनशील, सब कुछ। और वो भगवान के भजन में सब समय निमग्न रहते हैं, इसलिए उनको कोई भी भय नहीं होता। भय होने का कारण क्या है? भयम द्वितीया विनिवेश, द्वितीय वस्तु। जब ये शरीर में मैं और मेरा का अभिमान होता है तब भय उत्पन्न होता है, तो प्रहलाद के अंदर वो है ही नहीं। और दूसरी बात, तथा न ते माधव ताप का क्वचित विश्यंत मार्गा तय बद्ध सौहृदय त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया विनायक अनिकप मूर्धसु प्रभु। क्या कह रहे हैं? त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया। प्रहलाद महाराज इस तरीके से हिरण्यकश्यपु, जो कि इस ब्रह्मांड में द्वितीय ब्रह्मा के समान है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में उसको कोई मार ही नहीं सकता, वो उसके सामने भी किस प्रकार से निर्भय होकर के खड़े। क्यों? त्वया विगुप्ता, भगवान के द्वारा पालित है, उनके द्वारा रचित है। तो हमको इस प्रकार से भगवान में शरणागत होकर के प्रहलाद महाराज जैसा विश्वास और ऐसी श्रद्धा हमको अपने हृदय में विकसित करनी पड़ेगी, तब हम भी ऐसे ही निर्भय हो जाएंगे। तो उन्होंने निर्भीकता पूर्वक इस प्रकार से दिया उत्तर। क्या उनको पता नहीं हिरण्यकश्यपु मुझे मार देगा, लेकिन मृत्यु का कोई भय ही नहीं है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, पहले तो प्रहलाद को डांट लगाई
और उसके बाद में गुरु पुत्रों को बुलाया, फिर और बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। कहता अरे दुष्टो, तुम लोगों की जो कुटिलता है वो मेरे सामने ऐसे ही उजागर हो गई है, जैसे कोई व्यक्ति अगर पाप करता है ना, छुप करके तुमने पाप तो कर दिया किंतु तुमने सोचा कोई देख नहीं रहा है, लेकिन समय आने पर वही पाप रोगों के रूप में फलीभूत हो जाते हैं, तो रोग देखने से पता चल जाता है कि इसने ये पाप किया था। उसी प्रकार से ये प्रहलाद की जो बातें सुन करके मैं समझ रहा हूं कि तुमने इसको कैसी शिक्षाएं दी, बताओ ये तुमने इसकी बुद्धि कैसे लगाई इसमें। तब वो थर थर कांपने लगे कि ये तो हिरण्यकश्यपु को तो क्रोध आ गया, तो हमको अभी काट देगा। तब उन्होंने बोला न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम और सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यु कदा। कितनी सुंदर बात बताई है इसमें। सबसे मेन बात क्या है, पहले तो वो सामान्य रूप से उत्तर दे रहे हैं कि न तो हमने इसको सिखाया है न किसी और ने भी नहीं सिखाया। जो आप सोच रहे हैं कि वहां गुरुकुल में आकर कोई और छुपे से सिखाया जाता है, वो भी नहीं है। कह रहे नैसर्गिकीयम अस्य बुद्धि राजन, हे राजन इसकी तो नैसर्गिकी, नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक ही, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। पहले ही प्रहलाद ने बता दिया था जैसे चुंबक लोहे की ओर लोहे को खींचता है, ऐसे भगवान मेरी बुद्धि को खींच लेते, मैं क्या करूं। इस प्रकार से जब बोला तो फिर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की ओर देखा और प्रहलाद की ओर देख करके कह रहा है कि ये बता रहे मूर्ख, जब तेरे गुरुजनों ने तेरी बुद्धि इसमें नहीं लगाई, किसी और ने नहीं लगाई, तो तेरी बुद्धि विष्णु में लग कैसे गई। तब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मतिर न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभिपद्य गृह बताना अदांत गोविर विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वी चरवणा नाम। कि पिताजी इनके द्वारा तो बुद्धि लगी कैसे सकती है, क्यों मतिर न कृष्णे परतः, ऐसे जो व्यक्ति हैं कौन से गृह व्रता नाम, जिन्होंने घर को ही व्रत ले रखा है। गृह व्रत का मतलब होता है जिनके लिए सब कुछ पति पत्नी परिवार माता भाई बहन पुत्र ये सब गृह व्रत बोलते हैं। एक होता है गृहस्थ, गृहस्थ भक्त होता है जो पत्नी और गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन करता है, भजन के लिए पत्नी को अनुकूल जान करके वो विवाह इत्यादि करता है, संतान उत्पत्ति करता है, उसको गृहस्थ बोलते हैं। लेकिन ये गृहवेदी हैं, अर्थात घर के ही सेंटर में सब कुछ है, अर्थात इनके लिए ही सब कुछ करते हैं। इसीलिए परतः ऐसे लोगों के द्वारा कभी भी बुद्धि नहीं लग सकती। स्वतः ऐसे ही दूसरे लोग हैं जो गृहवर्ती, वो अपने आप चाहे कितने भी शास्त्र क्यों ना पढ़ते रहें, उनकी बुद्धि भी कभी भगवान में नहीं लग सकती। मिथो, मिथो अर्थात ऐसे ये गृहवर्ती और इनकी जैसे दूसरे गृहवर्ती, मान लो आप हिरण्यकश्यपु और संडमर्क आपस में बैठ करके कितनी भी शास्त्र चर्चा क्यों ना कर लें, न मति, मति नहीं लगेगी। क्यों अदांत गोविर विस्ताम, अदांत आपकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है। देखो प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं और हिरण्यकश्यपु देखो कैसा है, उसको कोई मार ही नहीं सकता पूरी सृष्टि में, और फिर भी कैसे निर्भीक होकर के बोल रहे हैं कि देखो अदांत गोविर विस्ताम कि आपकी इंद्रियां अनकंट्रोल हैं, कंट्रोल्ड हैं, विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वी चरवणा नाम, और आप बार बार जो विषय हैं उन्हीं को भोगे जा रहे हैं। और प्रहलाद महाराज ने तो ऐसी बात बोल दी कि सोच भी नहीं सकते कि इसको इतना क्रोध आएगा और ये क्या कर देगा। लेकिन प्रहलाद महाराज कैसे निश्चिंत, यहाँ भी जो निर्भीकता का गुण है, जैसे हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद के अंदर था, उनके ऊपर जानलेवा आक्रमण हुआ, श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज उनके ऊपर भी आक्रमण किया, किंतु कैसे निर्भीक वक्ता थे, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को हृदय में धारण किया, इसलिए ऐसी निर्भीकता आई। तो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज दसून पुरा सन्न विजित लुम्पतो मन्यन्ते एके विजिता दिशो दश, कि आप जैसे जो व्यक्ति हैं वो सारी दिशाओं को जीत लेने का अभिमान करते हैं, लेकिन वास्तव में तो आपने अपनी 6 इंद्रियों को भी नहीं जीता जो कि आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। इसलिए जो साधु होते हैं जो समदर्शी होते हैं वही वास्तव में जितेंद्रिय हैं और उन्होंने सारे जगत को जीत लिया, आपने कुछ भी नहीं जीता। आपको अभिमान है कि मैंने 3 लोगों को जीत लिया है, लेकिन आप तो इतने 6 शत्रुओं को भी नहीं जीत पाए, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, आप दूसरों को क्या जीतोगे। इस प्रकार से बोल दिया। तो फिर मान लो हिरण्यकश्यप श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा सुंदर बता रहे हैं, तो मान लो ये हिरण्यकश्यप पूछ रहा है कि अच्छा ये बताओ कि तुमको ये पता है कि विष्णु ही स्वार्थ गति है, इन लोगों को क्यों नहीं पता है।
ये तो सारे शास्त्र के ज्ञाता हैं। तब प्रहलाद महाराज ने दूसरा श्लोक बोला, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया, ये बहिरर्थ मानिना, कि पिताजी असुर श्रेष्ठ इनको इसलिए नहीं पता क्योंकि दुराशया हृदय में भीतर में कामनाएं हैं, लौकिक कामनाएं हैं इनके अंदर, इनका आशय ठीक नहीं। इसलिए शास्त्र पढ़ने के बाद भी नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, ये नहीं जान पाए कि विष्णु ही स्वार्थ गति में है। और बहिरर्थ मानिना, ये जो धन दौलत आपसे जो प्रतिष्ठा मिल रही है, पैसा राज्य, इसको ही क्या समझते हैं, अर्थ मान लेते हैं। अंधा यथांधी उपनीय मानस्ते, और इनके इनकी बात छोड़ो, इनके शिष्यों के भी स्थिति कैसी है, ये तो अंधे हैं और इनके पीछे पीछे वो अंधे भी चल रहे हैं, इसलिए ये लोग कभी नहीं जान सकते कि एकमात्र विष्णु ही स्वार्थ गति। इस प्रकार से बोला। तो फिर उन्होंने बताया, तो फिर मति कैसे लगती है भगवान में, जब शास्त्र पढ़ करके नहीं लगती और ये तो सारे शास्त्र के ज्ञाता हैं, इनकी भी मति नहीं लगी तो फिर कैसे लगेगी। तब तीसरा श्लोक उन्होंने बोला, नैसाम मतिस्तावत रुक्रमांग्री स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थ महिषाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवणीत यावत, कि पिताजी असुर श्रेष्ठ ये जो मति है भगवान में उसकी विधि क्या है ये सुन लो। क्या महिषाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम, जब तक निष्किंचन भक्तों की चरण धूलि में हम अभिषिक्त नहीं हो जाते, उनकी चरण धूलि का आश्रय नहीं ले लेते, तब तक हमारी मति कभी भी कृष्ण के चरणों में लग ही नहीं सकती। इस प्रकार से जब सुन लिया तो हिरण्यकश्यपु तो क्रोध में आग बबूला हो गया और उसने फिर उनको मारने के लिए कहा कि जाओ ले जाओ इसको और मार डालो। अभी महाराज आप बोलेंगे, बोलो बोलो। जब इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने बोल दिया और हिरण्यकश्यपु ने फिर सारे प्रयास कर लिए मारने के लिए, उन्हें हाथी के नीचे कुचलवाया, सांपों से डसवाया, जहर दिया, पहाड़ से फिकवा दिया, किसी प्रकार से जब सक्सेस नहीं हुआ तो अंत में उसने सोचा कि मेरी बहन है होलिका, उसको वरदान है कि वो आग में नहीं जलेगी, इसलिए उसने होलिका को कहा। एक बड़ी भीषण आग जलाई गई और उसमें फिर प्रहलाद महाराज को लेकर के होलिका बैठी, किंतु जैसा अभी हमने बताया, तथा नते माधव ताव का तो यह अभी गुप्ता विचरंत निर्भया, प्रहलाद महाराज की रक्षा कर कौन रहे हैं, स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, इसलिए निर्भय है। उल्टा वो होलिका धीरे धीरे देखते देखते अग्नि के वो होलिका ही जल करके राख हो गई और प्रहलाद महाराज सीधे बाहर निकल आए भगवान का नाम लेते हुए। अब तो हिरण्यकश्यपु के सामने बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि न तो ये मरता है न बदलता है, क्या करूं। और वो खुद भयभीत हो गया और फिर सोच रहा है कि अरे शास्त्र का एक उदाहरण दे करके सोच रहा है कि जैसे वो व्यक्ति था, उसके पिता ने उसको एक बार घर से निकाल दिया था, तो बाद में वो विश्वामित्र जी के साथ में चला गया, उसका नाम मुझे याद नहीं, विश्वामित्र के साथ में चला गया तो विश्वामित्र का ही संग हो गया और पिता का विरोधी हो गया, बाद में उसने पिता से बदला लिया। अब हिरण्यकश्यपु सोच रहा है कि इसकी शक्ति तो इतनी ज्यादा है, मुझसे भी ज्यादा शक्ति है, मैं करूं तो क्या करूं, न तो मैं इसको मार सकता हूं और न ही ये बदल रहा है, तो करूं तो क्या। हिरण्यकश्यपु सोच करके खुद भयभीत हो गया। देखो ये भगवान के भक्तों की महिमा, जो कैसे कहते हैं कि मद भयात बात बातों भयम, भगवान के भय से ये हवा चलती है, उसी प्रकार से देखो भगवान के भक्त 5 साल की उम्र है लेकिन जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला हिरण्यकश्यपु है वो भयभीत हो गया भीतर में। यही है असुर में और भक्तों में यही अंतर है। और भक्त को क्या है, सब समय सब अवस्थाओं में निश्चिंत रहते हैं और प्रहलाद महाराज पहले की तरह ही निश्चिंत है, उनको कोई भी चिंता ही नहीं है। तब वो सिर झुका करके सोच रहा है मैं करूं तो क्या करूं और कैसा बल है, कहां से आया, इस प्रकार की उसके मन में अनेक सारी बातें चल रही। तब संड और अमरक समझ गए कि हिरण्यकश्यपु बहुत चिंतित है और इसकी चिंता का कारण क्या है ये भी उनको पता ही है, इसलिए उन्होंने हिरण्यकश्यपु को समझाया, महाराज इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, यद्यपि वो भी जानते हैं इस बात को कि हम भी बदलने में इसको समर्थ नहीं है, किंतु फिर भी उन्होंने क्या देखा कि हिरण्यकश्यपु के मन को तसल्ली देने के लिए इस प्रकार की बातें बोली कि ये बच्चा है। और दूसरी बात, अभी हमारे पिताजी घर पे नहीं है ना, हमारे पिताजी तो कितने महाशक्तिशाली हैं, वो किसी को अगर अहित करने की दृष्टि से देख ले तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, वो किसी मृतक व्यक्ति के ऊपर अगर जल की बूंदें डाल दे तो वो जीवित हो जाएगा, इस प्रकार से हमारे पिताजी की शक्ति है।
किंतु अभी वो यहाँ पर नहीं है, आ जाएंगे तो वो इसकी बुद्धि को बदल देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मरता क्या ना करता, हिरण्यकश्यप के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए उसने भी ये सोच लिया कि चलो ठीक है जाओ तुम इसको लेकर के जाओ और फिर से कुछ करने का प्रयास करो। फिर जा करके वो लेकर के फिर से पाठशाला में ले गए। जब पाठशाला में ले गए तीसरी बार, तब जा करके एक दिन उनको कोई काम था और काम से वो बाहर चले गए। तो जैसा कि बच्चे लोगों का स्वभाव ही होता है कि टीचर नहीं है पाँच मिनट भी तो खेलना शुरू कर देते, और बच्चे भी कितने कितने छोटे छोटे बच्चे, पाँच छः साल के, कुछ पल्लासे भी छोटे होंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। किंतु प्रहलाद महाराज की कैसी अवस्था है, बहुत सुंदर वर्णन आया भागवत में, कह रहे एवं वृता स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसत अतो रोदिति रोति गायति उन्माद वर नृत्यति लोक बाह्य। प्रहलाद महाराज के अंदर संपूर्ण रूप से ये लक्षण देखे जाते हैं। वो कभी भी एकांत में होते हैं तो क्या करते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी नाचते नाचते देखते भगवान सामने खड़े हैं, भगवान सामने खड़े देख करके वहीं प्रणाम कर देते हैं, फिर देखते हैं भगवान नहीं है। जब भगवान को नहीं देख, कैसा कि पर दुख दुखी, उन्होंने कहा देखो ये बालक अभी कितने छोटे हैं, प्रहलाद महाराज के अंदर सारा आत्मज्ञान है, देखा बालक कितने छोटे हैं, अभी इतनी उम्र में ही अगर मैं इनको सही सही शिक्षा दूं तो ये इनका जीवन सुधर जाएगा। इस प्रकार से उनका चित्त द्रवित हो गया उन असुर बालकों के प्रति, और असुर बालकों के प्रति चित्त द्रवित होने के कारण उन्होंने उन असुर बालकों के पास जाकर के कहा अरे बालको सुनो, क्योंकि प्रहलाद महाराज सबसे श्रेष्ठ थे, राजा के भी पुत्र हैं, तो इसलिए सब बालक उनकी बात भी मानते और सर्वगुण संपन्न है, इसलिए सारे बालक खेल को छोड़ करके और पास में आ गए। तब प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो तुम लोग अपना जीवन व्यर्थ में क्यों गंवा रहे हो, तुम लोगों को क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और तब उन्होंने भगवान के विषय में बताया और बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान की, जिसमें पहला यहीं से प्रारंभ किया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। मान लो बच्चे कह रहे हैं कि अभी हमको भजन करने की जरूरत ही क्या है, अभी तो हम पाँच साल के हैं, बड़े हो जाएंगे जब और बुढ़ापे में भजन करेंगे, जो लोगों की सामान्य मेंटेलिटी है कि भजन का समय कब है, बुढ़ापा। तो प्रहलाद महाराज ने उनको बोला फिर कौमार दुर्लभम मानुषम जन तदपि अध्रुवम, अरे भाई अध्रुव है, तुमको क्या पता, यहाँ से जा रहे थे सांप ने डस लिया मर गए, तो तुम्हारा तो बुढ़ापा ही नहीं आया, तो फिर भजन कब करोगे, कोरोना इसके इसके लिए अगला श्लोक है, कोरोना के लिए अगला श्लोक है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो तुम्हारी जो आयु है उसमें, जैसे महाराज जी ने कल भी बताया था कि प्रारंभ के 20 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं, लड़कपन में कुछ ज्ञान ही नहीं रहता 10 साल तक, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं, उसके बाद विवाह इत्यादि करने में, फिर संतान उत्पत्ति करने में, और जो अंत का बचा तो जो कमर सीधी नहीं होती है तो बैठ करके भजन ही क्या करेंगे, रोग 50 घेर लेते। फिर दूसरा श्लोक बताया, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेनम देहिनाम सर्वत्र लभ्यते यथा दैवात यथा दुखम अयत्नता है। इसमें इतना सुंदर बात बताई कि हे बालको, हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं किसके लिए करते हैं, सुख के लिए, कहते वो सुख के लिए तुमको चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगिनम देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात, वो सब जगह प्राप्त हो जाता है। देखो हम जा रहे हैं कहीं से, हमारे यहाँ प्रसाद बहुत सारा बचा, हमने जाकर के गाय को दे दिया, अब वो गाय ने क्या पढ़ाई कर रही थी, वो कि बैठ करके मेहनत कर रही थी, वो उसको दैवात सुख उसके भाग्य में था, दैवात मिल गया। बंदर को भी देखो ऐसे ही मिल जाता है, उसको भी स्वाभाविक रूप से सर्वत्र लभ्यते दैवात, सारी योनियों में ही। और उदाहरण फिर दिया, दुखम अयत्नतः, जैसे कोई दुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता। अब यहां पर कोरोना का उदाहरण है, कोरोना को प्राप्त करने के लिए किसी ने प्रयास किया क्या, हम लोग गए थे चाइना, भाई हमको भी कोरोना चाहिए, कृपा कर दो हमारे ऊपर भी थोड़ा। दैवात यथा अयत्नतः, दैवात जब भाग्य में भगवान ने लिखा है तो अपने आप बिना यत्न किए ही आ गया, और आकर के मार भी रहा है लोगों को, और कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए हे असुर बालको, तत् प्रयासो न कर्तव्य हो यत आयुर्व्यह परम, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उसमें समय नष्ट करने की भी जरूरत नहीं है।
इस प्रकार से श्री प्रहलाद महाराज ने वहां पर दैत्यपालों को बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी। जब ऐसी शिक्षाएं दी प्रहलाद महाराज ने, तब दैत्य बालकों ने पूछा कि ये बताओ कि तुमको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? हम तो देखते हैं कि तुम हमारे साथ ही पाठशाला में रहते हो, तुम्हारी उम्र भी हमारी बराबर ही है, तुम कहीं जाते भी नहीं हो, कोई दूसरा टीचर भी नहीं आता है, तो फिर तुमको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया जो तुम हमको बता रहे हो? ये बात में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। तब प्रहलाद महाराज ने बताया कि जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे, उस समय देवताओं ने आक्रमण कर दिया, सारे असुरों को मार करके भगा दिया और मेरी माता को भी बंदी बना लिया, क्योंकि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का संतान है और वो बड़ा होकर के, इस हिरण्यकश्यपु ने इतनी तबाही मचा रखी है, ये बड़ा होकर के क्या करेगा, इसलिए हम इसको गर्भ में ही नष्ट कर देंगे। इस उद्देश्य को लेकर के इंद्र कयादु को लेकर के जब जा रहे थे, मार्ग में ही नारद जी मिल गए। नारद जी ने तब इंद्र को समझाया, अरे तुम इसको क्यों लेकर के जा रहे, छोड़ दो। तब उसने नारद जी को बताई बात, तो तब नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ में तो महाभागवत है और तुम क्या पूरे सृष्टि के लोग मिलकर भी इसका वध नहीं कर सकते? तब देखो असुरों में और देवताओं में यही अंतर होता है, साथ ही साथ नारद जी के ऊपर श्रद्धा करके उन्होंने फिर कयादु की परिक्रमा की कि इनके गर्भ में महाभागवत है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इस प्रकार से जब नारद जी अपने आश्रम में ले आए, तो कयादु अपने बालक के मंगल की कामना से नारद जी की सेवा करती कि मेरे बालक का मंगल हो, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण आए, इसलिए नारद जी ने उनको कृपा करके फिर उनको उपदेश, आत्म तत्व का ज्ञान, भगवान की भक्ति की महिमा, ये सब सुनाते थे। जब सुनाते थे तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं उनकी दृष्टि मेरी तरफ भी होती थी, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर नारद जी का जो मुख्य जो शिष्य है वो कौन है? वास्तव प्रहलाद महाराज, क्योंकि नारद जी को पता है ये इनके गर्भ में जो प्रहलाद है वो जगत को किस प्रकार की भक्ति की शिक्षा देने वाले हैं, इसलिए नारद जी का ध्यान उनकी तरफ ही रहता था। और फिर उन्होंने पूछा दैत्य बालकों ने, तो अच्छा ये बताओ, तो वो तो इतना समय हो गया तो तुमको अभी तक याद कैसे है, वो तो गर्व की बातें हैं। तब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नारद जी की कृपा से, अर्थात बिना गुरु की कृपा से हम जो ज्ञान है हमको जो प्राप्त हो रहा है उसको धारण भी नहीं कर सकते, बिना गुरु की कृपा से जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको धारण नहीं किया जा सकता है, अपनी बुद्धि से धारण नहीं कर सकते। तो फिर आपकी माता जी को क्यों नहीं स्मरण रहा? कहते हैं वो अपने स्त्री स्वभाव के कारण, और दूसरा नारद जी की उनके ऊपर कृपा नहीं थी, केवल मेरे ऊपर कृपा थी इसलिए उन मेरे को तो ध्यान है, लेकिन मेरी माता जी सब कुछ भूल गई। जब ये बात दैत्य बालकों ने सुनी और प्रहलाद के गुणों को तो देखा ही था साक्षात रूप में, तो वो सारे के सारे बालक बदल गए और बदल करके फिर वो भी भजन करना शुरू कर दिया। सब लोग मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं, जय गोपाल जय जय राधा, बाहर की तरफ तैयारी करो भरत प्रभु, तैयारी करो, हो गया अभी तो सत्यम विधातुं तो रह गया, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन चला गया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्री श्री
भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्रीला गुरुदेव श्रीला महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी वैष्णवों को यथायोग्य दंडवत प्रणाम। गुरुदेव की अभी कुछ समय पहले ही कथा आई थी श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कष्टों से घबराए नहीं। तो हमें प्रहलाद जी के जीवन से जो महत्वपूर्ण चीज है, हमें सबसे पहले यही लेना है कि कष्टों से हमें घबराना नहीं है। प्रायः ये देखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति करना स्टार्ट करता है तो उसको कष्ट आते ही हैं। स्टार्टिंग में उसकी अनर्थ की अवस्था रहती है तो उसको कष्ट आते ही हैं। यदि किसी व्यक्ति को संसार में रहते हुए कष्ट आए तो वो सहन कर लेता है, चलो कोई ना यार किस्मत में है इसलिए आ गए या आ गए। परंतु भक्ति में रहते हुए कष्ट आते हैं तब उसको बहुत उसका विश्वास डगमगाता है, अरे भक्ति कर रहा हूं और फिर भी कष्ट आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मेरे को तो कष्ट आना ही नहीं चाहिए। तो उस वक्त गुरुदेव ने यही उसमें शिक्षा दी, उसमें गुरुदेव ने यही प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण देके समझाया कि किस प्रकार प्रहलाद जी के ऊपर क्या क्या कष्ट नहीं आए। एक व्यक्ति के ऊपर तो सिंपल से कष्ट आ जाते हैं, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का मकान नहीं बन रहा, लेकिन प्रहलाद महाराज जी के ऊपर उनके जीवन को लेकर कितने कष्ट आए। उनको हर बार उनको मारने का प्रयास किया और कैसा मारने का प्रयास किया ये हम सब जानते ही हैं। फिर भी गुरुदेव ने बोला कि हमें उनके जीवन से यही शिक्षा लेनी है जो सबसे पहली शिक्षा है कि भैया कितने भी जीवन में कष्ट आए हमें कभी भी उनसे घबराना नहीं है। हमारी जो श्रद्धा है उसको हमेशा दृढ़ रखना है भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति श्रद्धा, और उनको हमेशा हमको दृढ़ रखना है। अब इसमें प्रहलाद महाराज जी ने जब उन बच्चों को शिक्षा दी कि भैया बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए क्योंकि अब बच्चों ने बोला ये बात, अरे प्रहलाद जी बचपन से भक्ति करनी चाहिए, हम खेलेंगे कब, आप बात कर रहे हो, खेलने के बाद हम बड़े होंगे, हमारी नौकरी लगेगी, हमारी शादी होगी, हमारा सब कुछ होएगा, हम घर बनाएंगे, ये सब हम कम करेंगे अगर अभी से हम भजन करने लग गए। तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला देखो भैया अभी तुम सब 5 साल 6 साल 7 साल के हो, तो एक जो कोरा कागज होता है उस कोरे कागज से अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर कोरे कागज पे लिखने के बाद अब तुम उस पर दोबारा लिख नहीं सकते कुछ भी। उसी प्रकार अभी हम सबका जीवन है, अभी बचपन में अगर हम सब ये समझ गए कि जो भगवान है वही मनुष्य जीवन का केंद्र है, भगवान की भक्ति से ही हमारा उद्धार हो सकता है, भगवान से ही हमारा कल्याण हो सकता है, तो हम करेंगे। देखो ये जो संसार की चीज है ना, ऐसी कौन सी योनि है जिसमें तुमने भोग नहीं किया ये बताओ, और मनुष्य योनि में आके तुम भोग की कामना करते हो कि हम भोग करें ये करें। तो इसके लिए गुरुदेव बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि संसारिक व्यक्ति भोगों के प्रति कैसे आसक्त रहता है, कैसे उनके प्रति रहता है। गुरुदेव बोलते हैं कि कुत्ते होते हैं, 20 कुत्तों का झुंड है। अब किसी व्यक्ति ने क्या करा, उन कुत्तों के झुंड में एक हड्डी डाल दी। अब कुत्तों का स्वाभाविक ही कुत्तों के हड्डी के प्रति आकर्षण होता है, तो वो 20 के 20 कुत्ते क्या करे, आपस में लड़ने लग गए उस हड्डी के लिए, बहुत जोर से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते लास्ट में 2 कुत्ते बचते हैं, 2 कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते 1 कुत्ता बचता है, और 1 कुत्ता पूरा लहूलुहान हो रहा है, खून उसकी पूंछ देखी खून आ रही है, उसके कान से खून आ रहा है, सब जगह से खून आ रहा है, लेकिन उसे किस चीज का खुशी है, अरे भैया मैं हड्डी जीत गया। ये क्या वास्तविक में उस हड्डी में रस है, उस हड्डी में कोई भी रस नहीं है, लेकिन उस कुत्ते को क्या होता है, अरे मैं हड्डी जीत गया ये। अब वो बहुत ही प्रेम से शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा है, हर हिस्से में दर्द हो रहा है, लेकिन वो किस में ध्यान दे रहा है, उस हड्डी में, जिस हड्डी में कोई रस भी नहीं है। उसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं ये बात कि जो इस संसार के लोग है ना, वो भी इसी प्रकार इस जो सूखी हड्डी है ना जिसमें कोई रस नहीं है, जो इस संसार के भोग है जिसमें कोई रस नहीं है, हमें ये प्रतीत होता है। हमें क्या प्रतीत होता है कि भैया इसमें रस है, संसार के सुखों में आनंद है, मजे है, हम ये करेंगे तो हम सब संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं है। जैसे वो कुत्ते उन हड्डी के बिना रस की हड्डी के प्रति आसक्त रह रहे हैं, उनको चूसने में बस अपना ध्यान लगाए बैठे हैं, उसी प्रकार हम सब भी प्राय लोग यही करते हैं कि संसार के सुखों की कामना करते हैं, अरे चलो सुख मिलेगा। और प्राय देखा जाता है सुखों के लिए जिस प्रकार वो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, इस संसार के लोग भी अभी क्या कर रहे हैं, उसी सुखों के लिए आपस में लड़ते जा रहे हैं, और किसी एक व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है, वो भी क्या प्राप्त होता है, वो सूखी हड्डी जैसी। तो गुरुदेव यही समझाते हैं कि हमें ना इन प्रकार की चीजों में ध्यान नहीं देकर, इन प्रकार की वस्तुओं में ध्यान नहीं देकर, हमें प्रहलाद महाराज जी के जीवन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हमें भजन को दृढ़ करना है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जो सबसे पहली शिक्षा आती है, श्रद्धा। हमें हमारी श्रद्धा को किस प्रकार से दृढ़ रखना है।
एक फर्म भक्तिगण भारती गोस्वामी महाराज जी ये बात हमेशा कहते थे कि हमें हरि गुरु वैष्णवों के प्रति दृढ़ सिद्धा रखनी है, फर्म डिटर्मिनेशन, हमें हमेशा वैष्णवों के प्रति भगवान के प्रति ये रखना है। अगर हम ये रखते हुए हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और प्रहलाद महाराज जी ने एक बात बोली थी कि इस जगत के प्राय लोग क्या है, एक गृहस्थ रूपी सुख में ही अंधकूप में रहते हैं। तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताते थे कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं गृहस्थ मेधी, एक होते हैं गृहस्थ। अब गृहस्थ मेधी कौन होते हैं, जिनके जीवन का जो सेंटर होता है वो केवल इस संसार के जितने भोग है वो होते हैं, इस संसार के भोग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये केवल चार चीजों में जो लोग लगे हुए हैं, जिनको भगवान से, उनके भक्तों से कुछ लेना देना नहीं है, वो होते हैं ग्रह मेदी। अब महाराज भक्तिगण भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि दूसरे कौन होते हैं, गृहस्थ। अब गृहस्थ लोग कौन होते हैं, गृहस्थ लोग वो होते हैं जिनका केंद्र, जिनके जीवन का केंद्र केवल मात्र भगवान होता है, जो शादी करा, अपना संसार करा, सब कुछ भी करा, जो भी कार्य कर रहा है केवल मात्र भगवान के लिए, भगवान से अलग उनके लिए कुछ है ही नहीं, हर कार्य भगवान के लिए करता है। तो प्राय महाराज जी यही बोलते थे कि दो प्रकार के संसार में लोग होते हैं, प्राय गृहस्थ मेधी लोग होते हैं, ग्रह मेधी लोग ही होते हैं। तो हमें प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं को किसी तरीके से, अगर हम एक शिक्षा को भी हम अपने जीवन में अपना लेना तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जब प्रहलाद महाराज जी ने, गुरुदेव बताते हैं ये बात, जब प्रहलाद महाराज जी ने उन बच्चों को बोला श्रवणम कीर्तनम की, भैया ये 9 चीजें है, ये इससे भगवान की भक्ति हो जाती है, तो बच्चों ने क्या बोला, अरे प्रहलाद जी क्या बात करते हो, हम सब बच्चे हैं और आप इतनी कठिन कठिन चीज बता रहे हो, ये कहां से होगी हमारे से। तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला, अरे भाई चलो, भगवान ने तुम्हें जीवा तो दिया है, भगवान ने तुम्हें हाथ तो दिए हैं, भगवान ने तुम्हें पैर तो दिए हैं, तुम ये सब तो काम ले सकते हो ना। तो बच्चों ने बोला हाँ। तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला चलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अब प्रहलाद महाराज जी उन बच्चों को ये कराए जा रहे हैं हरे कृष्णा, सब बच्चे कर रहे हैं। फिर 2-4 बच्चे और बोले, अरे प्रहलाद महाराज जी इसमें भी जोर आ रहा है, इतना बड़ा महामंत्र कौन बोले। तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला चलो कोई बात नहीं, खड़े हो सब, हाथ ऊंचा करके बोलो हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी। इस प्रकार हम प्रहलाद महाराज जी ने ये शिक्षा दी कि किसी भी स्थिति में रहकर, किसी भी परिस्थिति में रहकर हमें केवल भगवान का भजन करना है, भगवान के भजन के अलावा हमारे इस मानव जीवन का उद्देश्य कुछ ही नहीं है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल हरि। भरत तैयारी करो अभिषेक के लिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्हाददायिने हिरण्याकशिपुर्वक्ष शिलाटंकनकालये इतर नृसिंह परत नृसिंह जतो जतो जामी ततो नृसिंह हृदय नृसिंह बहिर्नृसिंह नृसिंह मादि शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सब जोर एक बार हाथ उठा कर बोला बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म
नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है, सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह देव का आज आविर्भाव तिथि है। बोले श्री नरसिंह भगवान की। हरे जोर से बोलो, बोले श्री नरसिंह भगवान की। बोले श्री प्रहलाद महाराज की। इसलिए हम लोग गत कल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद महाराज का कथा आता है और सप्तम स्कंद का नाम दिया उति। उति मतलब होता है कर्म वासना, वासना वासना को कहते उति। और जो वासना कितने तरह के, बोले दो तरह के वासना है, एक अच्छी भावना और एक बुरी भावना है। हैं कहते अच्छी भावना हृदय में कब आती है, जब किसी भक्तों का हमारे ऊपर कृपा हो जाए। कितना महत कृपा बिना कौन कर्म में भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना है कर। बोले जब तक तो किसी महापुरुष की हमारे ऊपर में कृपा नहीं हो तब तक जीव का कल्याण नहीं है। कहते कृष्ण भक्ति दूरे रहो, कृष्ण भक्ति तो बड़े दूर की बात है, ये संसार बंधन ही नष्ट नहीं होता है। इसलिए नारद जी की कृपा से ही प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त कैसे हुए, बोले श्री नारद जी की कृपा से ही इतने बड़े भक्त हुए। इसलिए इनका नाम क्या था, बोले प्रहलाद। प्रहलाद मतलब क्या, प्रकृष्ट रूप में लाद, मतलब हर समय जो आनंद आनंद। अभी श्रवण कर रहे थे ना, कहाँ हिरण्यकशिपु त्रिभुवन को जो विजय किया, जिनकी डर से सारे देवता लोग स्वर्ग लोग छोड़ करके भाग गए, इतने बड़े दैत्य, लेकिन कहाँ 5 साल के बालक निडर होकर के, कोई डर भाई नहीं। इसलिए हिरण्यकशिपु ने कहा, जैसे कुत्ते का पूछ होता है ना, भले ही जितने तेल लगा दो कभी वो सीधा नहीं होता है, भले तेरे स्वभाव से ही है कुत्ते का पूछ जैसे, बताओ इतने शक्ति तेरे को मिला कहाँ से। बोले पिताजी आपसे, आपको भी जो शक्ति मिला ना उन्हीं की ही शक्ति है। जगत में सबका अंदर में जो शक्ति हो उन्हीं का ही शक्ति है, सारा दुनिया उनकी शक्ति में ही शक्तिमान है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है आप उनको मानना नहीं चाहते हो। इसलिए कहते ना, उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। इसलिए कहते प्रहलाद, इसलिए उनका नाम प्रहलाद। और हिरण्यकशिपु मतलब, हिरण्य मतलब सुवर्ण, कशिपु मतलब बिस्तरा, जिसका भोग भोगमय जीवन है, भोगमय जिसका जीवन दुष्ट है। कैसे हुई, कहते श्री चतुसन की अभिशाप से, चतुसन के अभिशाप से हुई। इसलिए कहते जो जो, जो भक्ति मार्ग हैं, कभी कभी हम सोचते हैं हम जो भक्ति मार्ग है ना, ये फूलों का मार्ग है, चलते चलते पुष्पों की फूलों के ऊपर में चलते चलते पार हो जाएंगे। नहीं भैया, कहते भक्ति मार्ग ही है कोटिकंटक रुद्धा। जो भक्ति मार्ग हैं बड़ा करोड़ों कांटा युक्त तो भक्ति मार्ग हैं। जिन जिनों ने पहले भजन किया है, मीरा का नाम जानते हो, हरिदास ठाकुर का नाम सुने हो, हरिदास ठाकुर जी कौन है, कहते ये प्रहलाद ब्रह्मा, ये दोनों मिलकर के हरिदास ठाकुर रूप में आए। जिनको 22 बाजार में पिटाई हो गई, पूरा ऊपर की सारी चमड़ा उतर गई, लेकिन उसको बाद में भी क्या कहते हैं, कहते ठाकुर जी को तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मैंने जो इन्हीं कानों में जो भगवान की हमने निंदा सुनी है, ठाकुर जी तो थोड़ी सी दंड देकर मेरे को छोड़ दी। मतलब 22 बाजार में पिटाई होने का बावजूद भी भावना किया है, ठाकुर जी मेरे थोड़ी सी कष्ट दिए। लेकिन हम लोग कैसे हैं, अगर जीवन में भजन कर रहे हैं, अगर आपदी विपत्ति थोड़ी बहुत कष्ट आ जाए ना, भले ही कुछ छोड़े नहीं छोड़े, पहले ये माला छोड़ दें, माला को रख दो। इतना भगवान का भजन किया, पूजा किया, भक्ति की, ठाकुर जी हमारे साथ में यही किया है, लेकिन खाना नहीं छोड़ते हैं, सोना नहीं छोड़ते हैं, बोलना नहीं सुनते, क्या छोड़ देते हैं, माला। मतलब ये माला छोड़ने के लिए ना हम पहले से बैठे हुए, ये माला कब छूटे, ये भक्ति छूटे कैसे हम। लेकिन देखो कहते यही प्रहलाद महाराज का अवतार श्री कौन है, श्री हरिदास ठाकुर जी है।
जितने बाधा विपत्ति आने पर भी भगवान के भजन उन्होंने नहीं छोड़े, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसलिए ये शिक्षा देते हैं भैया, भगवान के भजन में कोई भी थोड़ी बहुत विपत्ति आए तो भजन मत छोड़ा करो, एक दिन तो ये संसार तुमसे छूटेगा ही, नहीं चाहने पर भी संसार छूटेगा, लेकिन कभी भगवान का भजन को कहीं मत छोड़ा करो। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुदेव का ही उपदेश है, देखो किसी ना किसी तरह से एक जीवन है, विशेष करके ब्रह्मचारियों को कहा करते थे एक जीवन किसी ना किसी तरह से भजन में बिताओ, हमारे गुरु जी कहते थे। इसलिए प्रभुपाद का अंतिम उपदेश क्या है, प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन कभी भजन नहीं छोड़ना, ये प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है। भले ही जितने जीवन में बाधा विपत्ति आए लेकिन भगवान की भजन नहीं छोड़ो। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तत्वन कंपा सुसमिक्षमाण भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम। अगर जीवन में कोई अगर कष्ट आता है कभी दूसरों को ऊपर दोष नहीं दे करके क्या समझो, जीवन में हमने जैसे कर्म की जैसे बीज बोया वैसा ही फल होगा। अगर आम का गुठली बोएगे तो आम का बीज आएगी, चिक्कू का बीज बोएगे तो चिक्कू का ही वृक्ष होगा हैं। अगर हमने करेला का बीज बोए तो कौन सा पेड़ आएगा, नीम का बीज बोए तो क्या केले का वृक्ष आएगा, नीम का ही वृक्ष आएगा। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है कभी भी दूसरों को ऊपर दोष मत दो, कभी भी दोष मत लगाया करो, जो आता है अपना किया हुआ कर्म को मान करके उसको भोग लो। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं भजन मत छोड़ो, ब्रह्मा जी बारंबार भजन मत छोड़ा करो। ज जीवेत स मुक्ति पद दायवाद, कहते किसको भगवत भक्ति किसको जीवन में प्राप्त होगा, तो जो जीवेत, जीवेत मतलब उदाहरण देते हैं जैसे पिताजी की अथाह संपत्ति है करोड़पति पिताजी, लेकिन बच्चे को संपत्ति मिलेगा कब, जिंदा रहोगे तभी तो मिलेगा, अगर मर गया तो गया, सारी संपत्ति खत्म हो गई तुम्हारी। मतलब क्या, अगर भक्ति जगत में चिरकाल के लिए अगर हम रहेंगे तभी तो पिताजी कौन है, भगवान जो आनंदमय जो अखिल रसामृत मूर्ति सारे आनंद का जो स्वरूप भगवान है। इसलिए वो आनंद मिलेगा कब, जब जीवन में भक्ति करोगे भक्ति मार्ग में रहोगे तभी तो मिलेगा। अगर बीच में ही भजन भजन छोड़ छाड़ दिया, भक्ति भक्ति सब छोड़ छाड़ दिया तो मिलेगा कैसे। इसलिए प्रह्लाद महाराज का जो जीवन में हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए क्या है, हमारे एक प्यार है बते मने बड़ा चिल्ल स्वाद त्रिनादपि सुन्नी ची श्लोके पड़ी गल बात, समझ रहे हो। हम पहले सोचते साधु बनेंगे वैष्णव बनेंगे, लेकिन मन में तो बड़ा स्वाद था, बड़ी इच्छा थी हम भक्त बनेंगे भजन बनेंगे। लेकिन जब श्री महाप्रभु ने कहा देखो भजन करने के लिए तुमको चार गुण आनी चाहिए तभी भजन कर सकते हो, क्या क्या चार गुण है, त्रिनादपि सुनिश्चेन, तीन से भी घास से भी ज्यादा दीन ही नहीं मनो। जैसे घास को ऊपर प्यार रखो लेकिन प्यार उठाओ ना फिर सर को ऊंचा कर देता है, बोले नहीं उससे भी ज्यादा दीन बनो। कहते पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनो, जैसे पेड़ में आम का वृक्ष उठाया एक पत्थर मारे पेड़ को, लेकिन पेड़ को तो पत्थर मारे लेकिन पत्थर ने क्या दे दिया, पेड़ ने क्या दिया, तुमको फल दिया तुमको है। कहते उससे भी ज्यादा क्या करो, सहन शक्ति हो और सबको यथा योग्य सम्मान दो और कभी स्वयं सम्मान की भूखे मत बनो। अगर ये चार गुण आएगा तो भजन कर सकते हो। इसलिए कहते हैं ये जो प्रह्लाद महाराज का जीवन में हमें ये शिक्षा हम जीवन में प्राप्त होता है, क्या उन शिक्षा है, जीवन में भजन करना तो सहन करना सीखो, थोड़ी थोड़ी बात पर अगर मचल जाओगे पर भजन कैसे करोगे है। इसलिए जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो ना सहे, जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए एक गुण ले लो, भले ही जीवन में जितने दुख कष्ट आए लेकिन कभी गुरु वैष्णव को छोड़ना नहीं, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना और जीवन भर क्या करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलो प्रह्लाद महाराज की। इसलिए आज श्री नरसिंह भगवान का जन्म तिथि आज है,
इसलिए आज जन्म तिथि है, इसलिए गुरुदेव कहते थे जो प्रहलाद है ये जीवन में इतने जल्दी उनको भक्ति कैसे मिली और इतना बड़ा भक्त कैसे हुए। तब गुरु जी इनकी पूर्व चरित्र सुनाया करते थे, कहते ये प्रहलाद पूर्व जन्म में ये ब्राह्मण घर में जन्म हुए हैं, अच्छे परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन इनकी जो आसक्ति एक वेश्या का प्रति ये आसक्त हो गए। जब वेश्या के प्रति कोई आसक्त हो जाए घर में, पत्नी सब कुछ घर में, लेकिन वो वेश्या के प्रति आसक्ति होने का वजह से वो क्या करते थे, वो वेश्या को पास में रोज जाया करते थे। बोले वेश्या कब तक प्यार करती हैं, बोले जब तक पास में पैसा है। अब कैसे हो जब तक जेब में पैसा है, इसलिए ये बड़ी प्रेम करती थी क्योंकि उसका तो मतलब पैसा में था। लेकिन ये धीरे धीरे पैसा को देते 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 पूरे जब घर का सारे पैसा खत्म हो गया इसकी और पैसा है, एक दिन खाली हाथ में वेश्या घर में चली गई। चली गई तो कहते ना अब कैसे हो जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन गन तुम कौन, पैसा गन और तुम कौन। जब इसकी घर में सारे पैसा खत्म हो गई, एक दिन गया, बोले माल कहाँ पैसा कहाँ, बोले पैसा तो खत्म हो गया। बोले किसी लिए यहाँ मुंह दिखाने के लिए आए हो, भाग जाए यहाँ से, खाली हाथ से आ गया। ऐसे उसने डांट लगाई, ऐसे गाली गलौज की। अभी वो सोच रहे हैं घर का सारे पैसा दे देते फिर अपना घर खाली कर दिया और एक दिन बिना पैसा से आ गया तो इतने गाली गलौज, इतने दुख, अब घर कैसे जाएगा, घर का सारे पैसा तो खत्म हो गया, अभी क्या खाली हाथ से कैसे जाएगा। अभी इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, दुखी होकर के उसने एक जंगल में चला गया। लेकिन उसको पता नहीं था उसी दिन था नरसिंह देव का जन्मतिथि, नरसिंह भगवान की जन्मतिथि था, आज का दिन था, लेकिन उसको पता नहीं था नरसिंह देव का आज प्रकट दिन है। लेकिन देखो ठाकुर जी कितने दयालु ठाकुर, कितने कृपालु ठाकुर जी। देखो ये सवेरे सवेरे घटना हुई है, वैसे अगर तीर चुभ जाए ना उसको निकाल दो तो दर्द खत्म हो जाती है, लेकिन अगर बाण रूपी अगर तीर चुभ जाए ना जिंदगी भर जलाती रहती है। बाण रूपी अगर तीर चुभ जाए तो वो निकलती नहीं सहज में। अभी इतना दुखी हो गया, इतने दुखी हो गया, बोले घर का सारे पैसा उसे दे दिया। एक दिन बगैर पैसा से गया तो इतने कठोर शासन, इतने कड़ी बोली। अभी उसको चैन नहीं आया, जंगल में घूमता रहा। घूमते घूमते एक जंगल में मंदिर था, उसको पता नहीं था ये मंदिर भी नरसिंह भगवान का मंदिर है। जब रात हो गया उसने जा करके मंदिर के एक कोने में बैठ गया दुखी होकर। इतने में वो जो वेश्या थी वो भी बाद में बड़ी दुखी हुई, बोले सारे पैसा धीरे 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 घर का खाली कर दिया और एक दिन बगैर पैसा से आ गया तो मैंने इतने कठोर बोली, मैंने बोली मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलती की है। अभी वो वेश्या ने किया कि उसको ढूंढने के लिए निकला, वो गया कहाँ। अभी ढूंढते 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 उसको भी पता नहीं था वो मंदिर में, वो भी एक कोने में बैठा हुआ, वो भी रात हो गया था। उसने भी ढूंढते ढूंढते रात का उसी मंदिर के एक कोने में उस भी बैठे हुए। अभी दोनों कोने में दोनों बैठे हुए हैं लेकिन पता नहीं नरसिंह देव का मंदिर है। और ये भी सवेरे नहीं भोजन किया, ये भी सवेरे भोजन नहीं की, दोनों ही भोजन नहीं किए। अभी जब सवेरे हुई ना, रात भर एकदम जागरण हो गया, जग गए, दिन भर भूखे, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, उपवास हो गया है। देखो ठाकुर जी कितने दयालु, नरसिंह देव भगवान कितने कृपालु हुए। अनजान में जब सवेरे हुई दोनों दोनों को देखा, दोनों दोनों देखकर दोनों को मिले हैं। जब मिले तो गुरु जी कहते थे देखो एक दिन अनजान में नरसिंह चतुर्दशी का दिन भोजन नहीं किया और नरसिंह देव का मंदिर में निवास किया तो अगली जीवन में उनको जन्म क्या मिला, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद होकर। और उनका जो पत्नी है वही जो वेश्या थी वही पत्नी बन करके उसकी घर में आए। एक दिन अगर नरसिंह देव का व्रत कर लिया तो इतने लाभ है। आज कौन कौन व्रत किया हो, सबके सब व्रत किया ना, कहते अनजान में व्रत करने का इतना महत्व है। अगर कोई जान बूझ करके आज नरसिंह देव का कोई व्रत करे तो क्या मिलने वाले हैं, भगवान के चरण में प्रेम मिलने वाले, भगवान के चरण में हमें भक्ति मिलने वाले। इतने महिमा श्री नरसिंह चतुर्दशी की, इतने महिमा आज की, इतना महिमा है। इसलिए भक्ति जगत में बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं लेकिन नरसिंह देव का व्रत करने से जीवन का सारे बाधाएं जीवन की खत्म हो जाती हैं। बोले श्री नरसिंह भगवान की, बोले श्री प्रह्लाद महाराज की।
इसलिए अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री प्रह्लाद महाराज की कथा श्रवण कर रहे थे, कैसे हिरण्यकश्यप ने हैं जब भगवान बराह अवतार में उसकी बड़े भैया हिरण्याक्ष को वध की, वध करने के बाद कैसे हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और इतना क्रोध आया उसने कठोर तपस्या की। कठोर जो तपस्या की, कितना साल तक तपस्या की, बोले 60,000 साल उन्होंने अंगुल को ऊपर खड़े होकर के हाथ ऊंचा करके ओम ब्रह्मणे नमः बोलकर कठोर तपस्या की। और तपस्या में उसका सर के ऊपर में ऐसे अग्नि निकली, ऐसे तप की प्रभाव प्रकट हुई, सारे देवता लोग घबरा गए और भगवान को पास में जाकर के प्रार्थना की, ठाकुर जी हिरण्यकश्यप इतने कठोर तपस्या कर रहा है जिसकी तपस्या की जो बल उसका शक्ति हमको सहन नहीं हो रहा है, कुछ आप इसकी कुछ व्यवस्था करो। इतने में बोले कोई चिंता मत करो, जदा देवेशु गोसु विप्रेशु मई विद्वेश सदा आशु विनश्यति। मैं कब ध्वंस करता हूँ, जब वेद में कोई गो संतो पृथ्वी के ऊपर में जब अत्याचार होता है उसी समय में मैं संबुले ये दुनिया को मैं ध्वंस करता हूँ। मेरा भक्त प्रह्लाद उसको घर में जन्म लेने वाला, जब भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार होता है भगवान क्या कहते हैं, कहते अगर मेरे भक्त अगर मेरे ये भुजा मेरे हाथ अगर कभी मेरे भक्तों का विरोध में जाएगा तो भगवान खुद कहते हैं मैं अपना हाथ को भी काट डालता हूँ। मतलब भक्तों का विरोध ठाकुर कभी सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई चिंता मत करो हैं। इतने में ब्रह्मा जी जब संतुष्ट होकर के दर्शन दिए, बोले बेटा वर मांगो। वो पहले ही सोच कर रखा था ऐसे वर मांगूंगा जैसे अमर हो जाए, बोले मेरे को अमर वर दो। बोले भैया मैं खुद ही अमर नहीं, तेरे को अमर वर कैसे दूँ, इसलिए और कोई वर मांगो। बोले ऐसे वर मांगू ना, घुमा फिरा कर अमर ही बन जाऊँगा। बस उन्होंने तो वर की उन्होंने झरी लगा दी, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, घर में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं, धरती में नहीं, आपका सृष्टि किसी प्राणी में नहीं, किसी महीना में नहीं, अस्त्र में नहीं, शास्त्र में नहीं। बाबारी इतने बर मांगे ब्रह्मा जी, बोले भैया मानना पड़ेगा तेरे को, अभी तो किसने इतना बर किसने, हाँ तथास्तु तथास्तु करते करते हाथ ही दर्द हो गया मेरा। इसलिए अभी वो क्या सोचा, अभी तो मैं अमर बन गया, लेकिन वो सोच लिया मैं तो अभी अमर बन गया, इसलिए उन्होंने स्वर्ग के ऊपर में आक्रमण करके सारे देवता को मार मार कर भगा दिए और उन्होंने जाकर के इंद्र का गद्दी पर बैठ गया। हे गद्दी पर बैठ करके जितने सारे देवताओं को हैं हैं बोले सबके सब मेरे स्तुति करो, सबके सब मेरे स्तुति करो, मैं ही भगवान हूँ हैं। सबके सब देवता को उन्होंने अधीन कर दिया, लेकिन उसका बेटा बन करके प्रह्लाद जन्म हुए। जब प्रह्लाद जन्म हुए हम लोगों ने अभी सारे बात को श्रवण किया। प्रह्लाद महाराज को जब उन्होंने पूछा, और गुरु जी का नाम क्या था, संधा और अमर का, कल सुन रहे थे ना, जिसको पास में उन्होंने भेजा पढ़ने लिखने के लिए, क्या था नाम, संधा और अमर का। संधा मतलब होता है सांड, अमर का मतलब होता है बंदर, मतलब कहते जो गुरुदेव केवल पैसा कमाने का शिक्षा देता है। अभी स्कूल कॉलेज में जाओ कौन सा शिक्षा मिलता है, बस एक ATM कार्ड बना देते हैं, कैसे पैसा कमाओ के लोग, इससे इससे सिवाय और कुछ सिखा देते हैं कोई स्कूल में, कुछ और सिखा नहीं स्कूल में। इसलिए कहते जो गुरु दे, गुरु मतलब क्या है, कहते जो हमारी हृदय की अज्ञानता को दूर करके भगवान की भक्ति रूपी जो ज्ञान प्रदान करे वो गुरु है, हैं उसको ही गुरु कहते हैं। इसलिए कहते जो गुरुदेव ये शिक्षा नहीं दे करके, भक्ति शिक्षा नहीं दे करके, केवल जगत का पढ़ाई 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 शिक्षा दे, कहते वो गुरुदेव कौन है, बोले सांड और ये सबके सब बंदर हैं, सांड और ये बंदर सबके सब है, कहते ये गुरु है नहीं, बोले श्री भगवान नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह बैठो बैठो, कोई खड़े नहीं होना, सब बैठो, दो मिनट बैठ जाओ। हाँ देखो पुजारी और दो चार मिनट रुक जाओ, ठीक है, दो चार मिनट बाद में फिर अभी सही करना, हम नरसिंह देव का प्राकट्य कर देते हैं, ए चुपचाप बैठो। इसलिए जिस समय श्री हिरण्यकश्यप ने जब प्रह्लाद को पूछा, बताओ तेरे को ये बुद्धि किसने दिया है, हैं सारा दुनिया मेरे डर से थर 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 कांपता है,
लेकिन तू इतना छोटा बालक, लेकिन तेरे अंदर कोई डर भय है ही नहीं। बताओ ये तेरे को किसी ने ये चीज दिया है? ए भरत, 5 मिनट रुक जाओ, रेडी करो सारे चीज को। ए हरे कृष्णा, भरत उसको नीचे रखो। इसलिए जब हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरे को इतने ताकत मिला कहाँ से है, किसने दिया है, जब उसने बोला पिताजी विश्व ब्रह्मांड को जो ताकत देने वाले, आपको जो ताकत देने वाले ना वही देने वाले, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन आपको ये विश्वास नहीं होता है सारे शक्ति देने वाले ठाकुर है। बोले बड़े बड़े बात करते हो, अभी बताओ तेरे भगवान कहाँ है? बोले ये बताओ मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ, तो बताओ मेरे भगवान तो सर्वत्र है। बोले क्या ये खंभे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है, ठाकुर जी बैठ करके मुस्कुरा रहे। सचमुच से नरसिंहदेव वहां प्रकट हो गए, सख्यात तो नरसिंहदेव वहां प्रकट हो गई। जब बोले हाँ मैं तो मेरे को तो दिख रहा है, क्योंकि किस लिए प्रकट हो गए? बोले अपना भक्तों का वाणी को रक्षा करने के लिए है। इसलिए भक्त भक्तम निज भक्त भक्तम, अगर भगवान की भक्त अगर बोलता है भगवान, सचमुच से भगवान वहां पर प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए, उसने निकाला उसने तलवार निकाल करके, जब उसको खंभे के ऊपर मारे, इतने में खंभा एकदम टुकड़ा हो गया और खंभे को अंदर से श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह देव की, भगवान की। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए, वो देख करे तो हिरण्यकश्यप डर गया है, आधा नर और आधा संघा है, सोचा हो ना हो ये मेरे काल नहीं हो, लेकिन ये भी कोई साधारण नहीं था। हाँ ये भी कोई साधारण नहीं था। उसने बस ठाकुर जी को साथ में घमासान युद्ध होते 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 होते, जब ठीक यही समय आ गया, ठीक इसी समय आ गया शाम का समय में, इतने देवता लोग बोले प्रभु रात्रि होने से ये दैत्यों का शक्ति बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी इसको निपटाओ जल्दी जल्दी। जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ लेता है, ऐसे ही भगवान नरसिंह देव पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को, ला करके दहली पर ले आए और अपना जंघे के ऊपर रख करके जब उसको मारने के लिए जा रहे थे, इतने में हिरण्यकशिपु बोले मेरे को मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मेरे पास में बहुत कुछ वरदान। बोले बता क्या वरदान? बोले मेरे पास में ये वरदान, दिन में नहीं भरूंगा रात में नहीं भरूंगा, मारोगे कैसे बताओ? बोले अच्छा आदमी ऊपर देखे, दिन ना रात है, ये शाम का समय। बोले तब भी नहीं मार सकते हो? बोले क्यों? बोले घर में नहीं मरूंगा बाहर नहीं मरूंगा, मारोगे कैसे? बोले देख तुम दहली के ऊपर। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले आकाश में नहीं पृथ्वी के ऊपर में नहीं, कैसे मारोगे? बोले तुम मेरे जंघे के ऊपर में। बोले किसी महीना में नहीं भरूंगा। बोले याद कर कौन सा महीना, ये पुरुषोत्तम महीना है। बोले तब भी नहीं मार सकते हो है? बोले किस लिए? बोले ब्रह्मा जी की किसी सृष्ट प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा, मारेगा कैसे बताओ? बोले अच्छे तरह से देखिए, ब्रह्मा का मैं बाप हूँ। हाँ ब्रह्मा का मैं बाप हूँ, नहीं मार सकते हो? बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले वरदान लिया ना, अमर वरदान लिया। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा, मारेगा कैसे बताओ? बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे नाखून तेरे लिए काफी। एकदम पेट में घुसार करके पूरा पेट को फाड़ दिए और जितने आंत बुढ़ी था ना सबके सब उन्होंने अपना गलवे हैं गलवे पहन लिया। कहते भैया उनको पेट को क्यों फाड़े? बोले इसकी औरत से प्रहलाद जन्म हुए ना, हो ना हो इसी औरत से और दो चार प्रहलाद निकल जाए, इसलिए उन्होंने पेट को उन्होंने फाड़ दिए। सिंहासन में क्यों बैठे? नियम है, आप जिसको विजय प्राप्त करते हो वो सिंहासन में आपका ही अधिकार होता है। और भगवान ये बताए सिंहासन किसका? बोले हिरण्यकश्यप का। वो कौन है? बोले वैकुंठ का जय विजय ना, वैकुंठ का ये जय विजय भक्तों का सिंहासन है, इसलिए उन्होंने उसको सिंहासन ऊपर बैठ गए। जब इतने भयंकर विकटाल का रूप था, शंकर जी घबरा गए, हो ना प्रलय का समय तो नहीं आ गया? बोले नहीं, प्रलय का देवता मैं हूँ, मेरे पास में कम से कम तो मैं से जाएगा ना, लेकिन प्रलय कैसे हो जाएगा? सारे देवता लोग इकट्ठे हो गए, उनका केस से आग निकल रहा था, आग चंद्र सूरज जैसे था भयंकर, जो वर्णना किया इतने भयंकर रूप था, सारा विश्व ब्रह्मांड कांप रहा था, मानो एकदम
प्रलय हो जाएगी। इतने में शंकर जी आए, हैं शंकर जी अस इनका भ्रुकुट देख करके शंकर जी भाग गए। इतने में ब्रह्मा जी आए, तेरछी नजर से देखे, बोले तेने इसको वरदान दी थी, हैं तेरे वजह से इतने उत्पाती बने, टेढ़ी नजर से देखे ना ब्रह्मा भागे वहां से। अभी किसका हिम्मत नहीं हो रहा है, मैया लक्ष्मी के पास में गए, बोले माता जी आप कुछ कर सकते हो। अरे बोले भगवान तो बड़े प्यारे हैं, शांत आकारम भुजग सहना, भगवान तो बड़े मीठे हैं, मिनट में मैं शांत कर दूंगा। आरती की थाला लेकर के आए, बोले कि नरसिंह देव का हुंकार देख करके, उनकी दहाड़ को सुन करके, बोले मैंने तो कभी ये रूप देखा ही नहीं कभी। वो आरती की थाला फेंके और वैकुंठ में जाकर विश्राम लिए। इसलिए जब किसी तरह से उनको शांत लाए, ये श्री प्रहलाद जी के पास में गए, बोले प्रहलाद तेरे लिए आज ठाकुर प्रकट हुए, तू कुछ व्यवस्था करो। प्रहलाद का कोई निडर है, एकदम निर्भय होकर के सीधा प्रभु के पास में चले गए। ए जाते ही ठाकुर जी उसको लेकर गोद में बैठा लिए और चाटने लग गए, बोले प्रहलाद मेरे अपराध को माफ करना, आने में बड़े देर हो गई, मेरे लिए तेरे को इतना कष्ट उठाना पड़ा। प्रहलाद ये मेरे भयंकर रूप से सारा दुनिया घबरा रहे हैं, क्या तेरे को डर नहीं लग रहा है? बोले प्रभु शेर तो दूसरे के लिए शेर होता है, लेकिन अपना बच्चों के लिए शेर नहीं, बच्चे के लिए तो माँ है। देखना कोई शेर जब हाथी को मार करके आता है ना, बड़ा भयंकर रूप रहता है, लेकिन बच्चे लोग क्या करते, पीठ के ऊपर फुदकते रहते हैं, उसको पीठ के ऊपर खेलते कूदते रहते हैं। बोले प्रभु ये रूप तो आप मेरे को बड़ा प्यारा लगता है, तेरे डर नहीं लगता? बोले नहीं प्रभु जी, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये संसार से मेरे को डर लगता है। बोले प्रहलाद मेरे से वर मांगे बेटा। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे को अपना वर की चक्कर में मत डाला, मैं थोड़ी बढ़िया हूँ, कुछ इसलिए भजन किया, कुछ मांगने के लिए, जो मांगता है भजन करने के लिए वो बढ़िया है, इसलिए मेरे को तो भक्ति दो। बोले कुछ और मांगो, बोले पिताजी को उद्धार कर दो। बोले तेरे पिताजी की बात क्यों, त्रि सप्त भी पिता पुत्र, तेरे तो 21 पीढ़ी उद्धार हो गए, बोले और कुछ मांगो। बोले प्रभु देना चाहते हो एक वरदान दो, ये पृथ्वी में जितने लोग दुख कष्ट पा रहे हैं उनका सारे दुख कष्ट मेरे को दे दो, मैं करोड़ों काल के नरक में ये सारे दुख कष्ट भोग करूं, लेकिन इनको उद्धार कर दो। बोले तेरे को दुख कष्ट से हैं, तेरा दुख कष्ट लेने को जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, अगर तेरी ऐसी इच्छा है ना एक ब्रह्मांड को मैं उद्धार कर देता, लेकिन तेरे को लेने का जरूरत नहीं। फिर उन्होंने नरसिंह देव को सिंहासन में बैठा करके उनको बड़े सुंदर ठाकुर जी आरती करते हैं, और आरती करते हुए ठाकुर जी को सेवा करते हैं। अभी ठाकुर जी की अभी अभिषेक होएगा, आप लोग सभी बैठ करके, सब लोग बैठ करके दर्शन करो, एवरीबडी सीट डाउन, केवल ब्रह्मचारी लोगों ने दो चार व्यक्ति केवल आओ, और सबके सब हरे कृष्ण, सबके हाथ में चामर बजरी दे दो, हरे कृष्ण, यहाँ पर कीर्तन करो, तब तुम लोग कुछ कोई कीर्तन बतमा दे। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद मेरा हाथ में अपना मन वाला भी है।